ये सीरियल ऐसा कोई दावा नहीं करता कि इसका कोई भाग या घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से सही या प्रामाणिक हैं। ये सीरियल टीपू सुल्तान के राज्य की सीमाओं के अंदर अथवा उसके बाहर सुल्तान के जीवन अथवा शासन का ना तो पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करता है और ना ही यह टीपू सुल्तान का जीवन वृत्तांत है। ये सीरियल इस उपन्यास को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। No claim is made for the historical accuracy or authenticity of any episode or events depicted in the serial. This serial neither portrays nor conveys the complete record of either the life or of the rule of Tipu Sultan within or outside his kingdom and is not a life history. This serial is a dramatized presentation of the novel. हैदर अली हाकिम खास की हैसियत से जब डिंडीगल के लिए रवाना होते हैं तो इस सफर के दौरान उनके दूसरे बेटे करीम की पैदाइश होती है। डिंडीगल पहुंचकर वहां की हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए हैदर अली अपने साथियों से मशवरा करते हैं। टीपू के लिए मजहबी तालीम का और करीम के लिए फौजी तरबियत का इंतजाम किया जाता है, लेकिन हैदर अली को यह जानकर बहुत दुख होता है कि करीम न सिर्फ बुजदिल है बल्कि जहनी मरीज भी है। मायूस होकर हैदर अली खुदा से फरियाद करते हैं और टीपू को खुदाई खिदमतगार बनाने के बजाय एक बहादुर जंगजू सिपाही बनाने का फैसला कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। अब खासी खान, क्या बात है, खैरियत तो है? मैं बहुत परेशान हूं गाजी खान, रात भर सोया नहीं, वक्त ने मेरी नींद हराम करती है। खुदा ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। क्या बात करते हैं हैदर भाई, खुदा कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता। यह मजाक नहीं तो और क्या है गाजी खान? मैंने तो अपने वादे के मुताबिक अपने बेटे टीपू को खुदाई रास्ते के लिए मंसूब कर दिया था, लेकिन यह सब इस भरोसे पर किया था कि मेरा छोटा बेटा करीम रियासत की बागडोर संभाल लेगा, मगर मेरा ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि करीम बुजदिल है, कमजोर है, ज़हनी मरीज है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता।
करीम अभी बच्चा है, उसे बड़ा तो होने दो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काजी खान, क्या ठीक हो जाएगा? जो तलवार देखकर डरता हो वो तलवार का वजन क्या उठाएगा? मैदान जंग में तलवारबाजी के जौहर क्या दिखाएगा? नहीं गाजी खान, नहीं, मैं उस पर भरोसा करके आने वाले वक्त से धोखा नहीं खा सकता। इसलिए मैं अपने बड़े बेटे टीपू को रियासत और सियासत के कारोबार के लिए तैयार करना चाहता हूं, लेकिन किताबों के साये में रहकर फलसफों की छाप लगाए वो एक कामयाब सिपाही नहीं बन सकता। उसके हाथों में तलवार का वजन उठाने की ताकत होनी चाहिए, उसके सीने में दुश्मन का वार रोकने के लिए ढाल जैसी पुख्तगी और मजबूती की जरूरत है, उसके कानों में सुरीले नगमात और गहरे अल्फाज ही नहीं, बेसुरी घनघनाती तोपों की आवाज सुनने की ताकत होनी चाहिए, जैसे जैसे हमने वक्त की संगीनियों को सहकर यहां तक पहुंचने की हिम्मत की है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही मेरे बेटे टीपू को मैसूर की अजमत को आगे बढ़ाना है। सिर्फ पंडित और मौलवी की तालीम से काम नहीं चलेगा, नहीं गाजी खान, आज से उसके तालीमी कारोबार का सिलसिला बंद और फौजी तरबियत और तालीम के कारोबार का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। आप बजा फरमाते हैं। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं गाजी खान, टीपू के हाथ इस कदर मजबूत कर दो कि वो मेरे ख्वाबों की ताबीर कर सके, उसकी तलवार मैदान जंग में वो गजब ढाए कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाए और उसकी दहशत के चर्चे दूर दराज तक फैल जाए और वो नस्ल दर नस्ल अपने खानदान के वकार को आगे बढ़ाता हुआ तारीख के सफों पर अपने कारनामों की छाप छोड़ जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और फिर आवाम और खुदाई खिदमत एक ही है। लिहाजा आज से इस काम में जुट जाओ गाजी खान, आज से इस काम में जुट जाओ, संग दिल उस्ताद बन जाओ, बेरहमी से काम लो, उसे झुलसती जलती हुई रेत पर चलाओ ताकि वो अंगारों पर चलने की हिम्मत रख सके, उसके जिस्म, उसकी चमड़ी, उसकी खाल को जलते सूरज की गर्मी सहने की आदत डाल दो, उसे बर्फ पर चलाओ, सर्द पहाड़ों पर चढ़ाओ ताकि वो ओले बरसाते तूफानों का सामना कर सके, प्यास लगे तो पानी मत दो, भूख लगे तो भूखा रखो ताकि वो मैदान जंग में भूखा प्यासा भी लड़ सके, सख्तियों के साचे में ढालकर उसे फौलाद बना दो गाजी खान, फौलाद बना दो ताकि उस पर किसी भी आफत का असर ना हो सके, बेरहम बनकर उसे बेरहम बना दो, इतना बेरहम बना दो ताकि वो बेरहमी से दुश्मनों के सर कलम करता चला जाए, सर कलम करता चला जाए। आमीन, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं टीपू के लिए संग दिल उस्ताद साबित होऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है गाजी खान। सुना आपने क्या कह रहे थे टीपू के अब्बा? जलती रेत में नंगे पांव चलाओ, भूखा प्यासा रखो। अल्लाह कितने बेरहम हो रहे टीपू के अब्बा। हैदर टीपू को एक जंगजू सिपाही बनाना चाहता है। लेकिन अम्मी, मैंने तुमसे खुदाई रास्ते पे चलाने का वादा किया था, वो तो उसका रास्ता ही बदल रहे हैं, उसे जंग की आग में झोंकना चाहते हैं। क्या मैंने सिरोज के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर दुश्मन की गोलियों का निशाना बनेगा? नहीं अम्मी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या खुदा के साथ किया हुआ वादा तोड़ना उसकी नाफरमानी नहीं होगी? ये मर्दों की दुनिया है फखरुन,
तो क्या औरत सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए है? अपने बच्चों की जिंदगी पर उसका कोई हक नहीं है? औरत का फर्ज औलाद पैदा करना है और मर्द का उसकी परवरिश और मुस्तकबिल का फैसला करना। उसे कौन से सांचे में ढालकर कौन सी शक्ल देनी है वो माँ से बेहतर बाप समझता है। और फिर कुदरत का उसूल है, अल्लाह का निजाम है कि बाप के बाद बेटा नस्ल दर नस्ल उसके कारोबार को आगे बढ़ाए। हैदर ने जैसे अपने बाप दादा का नाम रोशन किया है, वैसे ही वो टीपू से उम्मीद रखता है। लेकिन मम्मी, टीपू के दादा तो शहीद हो गए थे, तो क्या मेरा बच्चा भी? शहादत का रुतबा खुश नसीबों को ही नसीब होता है। मेरे बेटे हैदर ने अपने बाप की कुर्बानी को समझा है, उनके गम की आग में तड़प कर तलवारों के साए में लड़कर कामयाबी हासिल की है। ऐसी ही कामयाबी का सहरा वो अपने बेटे टीपू के सर पर देखना चाहता है। आज हैदर की तरक्की देखकर उसके बाप की रूह जन्नत में मुस्कुरा रही होगी, वैसे ही टीपू की कामयाबी देखकर तुम्हारे और हैदर के दिल को तस्कीन मिलेगी। और फिर हैदर टीपू का बाप है, उसकी हर धड़कन हर सांस हैदर को अपने दिलो जान से ज्यादा अजीज है। हिम्मत और हौसले से काम लो फखरुन, और हैदर पर भरोसा रखो। अम्मी, तो आप मुझे अकेला छोड़कर जाएंगे? अकेला कैसे बेटे, सभी तो हैं तुम्हारे साथ। अब्बा हुजूर, अम्मी जान, दादी जान, और वो तुम्हारा छोटा भाई करीम, वो भी तो है। लेकिन मेरा राहबर, मुझे रास्ता दिखाने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। अब तुम्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं रही बेटे, अब तुम खुद अपना रास्ता देख सकोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोशनी है। कौन सी रोशनी? दो इल्मों की रोशनी। कौन से दो इल्म? एक तो सबसे प्राचीन सनातन धर्म की रोशनी का इल्म बेटे, जो प्राचीन हिंदू विचारधारा का स्रोत है, और दूसरा दौलत इस्लाम का, जो अकीदत इबादत इस्लामी फलसफे में है। ये दोनों इल्म मुझे आपसे मिले, मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे सीखा। तुमने हमसे क्या सीखा है बेटे, हम तुमसे बहुत कुछ सीख गए हैं। सच तो यह है बेटे कि तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश में मैं और मौलवी साहब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मुझे पंडित जी से मिलकर पता लगा कि हिंदू फलसफे की गहराई कितनी है, और पता चला कि हिंदू धर्म कितना महान है। और मुझे मौलवी साहब से मिलकर यह एहसास हुआ कि शान इस्लाम क्या है, अल्लाह के बंदों का पैगाम क्या है, और ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है बेटे, अगर एक धर्म को मानने वाला दूसरे के दीन की खूबियां पहचान ले तो ना समझी से पैदा हुए तमाम झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। हर धर्म हर दीन एक ही बात बताता है, इंसान का फर्ज है इंसान के काम आना, एक दूसरे से मोहब्बत करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए बेटे, यही समय की पुकार है और यही वक्त की मांग है। और बेटे, तुम बड़े होकर इस संदेश और इस समझदारी को अपने वतन के कोने कोने में फैलाना, ये मेरा आशीर्वाद है। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है बेटे। अच्छा बेटे, अल्लाह की रहमत का साया हमेशा तुम्हारे साथ रहे। टीपू बेटे, तुम हमें कभी अपने से अलग मत समझना। तुम जब भी याद करोगे हमें अपने करीब पाओगे। ये माला मैंने अपने हाथों से बनाई है, मेरी यादगार है। जीते रहो बेटे। Thank you.
अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, उनका कोई भाई नहीं? बेटे उसका कोई भाई नहीं। टीपू बेटे, ईश्वर एक है। एक एक है तो उसके दो नाम क्यों, ईश्वर अल्लाह? एक बात हमेशा याद रखना टीपू बेटे, मैदान जंग में इंसानियत और हमदर्दी के कोई मायने नहीं। वो दुश्मन है, लगाओ निशाना, उड़ा दो उसके परखचे, धज्जियां बिखेर दो हवा में। इस दूसरे का भी यही अंजाम होना चाहिए, इसको भी। शाबाश बेटा, दौड़, शाबाश। अरे मत मत हार, शाबाश, और तेज दौड़ो, शाबाश। नहीं, इंसान को भूख और प्यास बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ और आगे करना है, दौड़ो दौड़ो। 91, 93, 93। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, आओ सर, शाबाश। आजा आजा बेटा, आजा आजा, रस्सी कस के पकड़। हाँ ऐसे, हाँ शाबाश, हाँ पैर जमा कर, हाँ के पीछे 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 नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, शाबाश शाबाश। अच्छा रस्सी कस के पकड़, हाँ पैर जमा कर, झमके, और पीछे 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 नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, शाबाश सामने देखो, शाबाश। सिर्फ तुम्हें तो बुलंदी की ओर बढ़ना है, बढ़ो और बढ़ो। क्या बात है, शाबाश शाबाश, क्या बात है, ये हुई ना बहादुरों वाली बात, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है काजी चाचा। हाँ बेटा, जब कोई खून देखता है तो बेहोश हो जाता है और किसी को बहुत जोश आता है। बेटा जब कोई बहादुर सिपाही किसी दुश्मन का खून देखता है तो उसका सीना खुशी से फूल जाता है, उसे फख्र होता है अपनी बहादुरी पर। तुम्हें कैसे महसूस होता है खून देखकर? मुझे खून देखकर बहुत दुख होता है। लगाम कस के पकड़, आजा आजा संभाल के, शाबाश, नजरे आगे की तरफ, बहुत अच्छे। और तेज चलाओ टीपू, और तेज चलाओ, चलो दिल खुश। शाबाश, वाह टीपू बेटे, क्या घुड़सवारी करते हो, सुभान अल्लाह। लेकिन गाजी चचा, जो आपकी पीठ पर सवारी की थी उसका मजा ही कुछ और था। देखो टीपू, कभी भी आप मैदान जंग में या कहीं भी अकेले मुसीबत में घिर गए हैं, दुश्मन आपके चारों तरफ है और आप घोड़े पे भी नहीं है, तो आप अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? दोनों तलवारें उठाइए, ऐसे दुश्मन से आंख मिलाइए और इनको घुमाना शुरू कीजिए, यूं 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 यूं, ये काटा, ये गया, ये चारों तरफ। दुश्मन से नजर मत हटाइए, यूं दाईं तरफ काटिए, यूं बाईं तरफ काटिए, पीछे हटिए, आगे बढ़िए, अपनी आंखों को भी चारों तरफ घुमाइए ताकि दुश्मन के हर वार पर नजर रख सको। शुरू करो टीपू, उठाओ तलवार, शाबाश, उठाओ तलवार, हाँ शुरू करो टीपू, तलवारें उठाओ टीपू, कोशिश करो, शाबाश, हाँ दाएं पहले घुमाओ, शाबाश, गुड, विदाउट
शाबाश शाबाश। लगा तो नहीं। बर्दाश्त कर लो मेरे बच्चे। मेरी प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम अलैकुम। आपको खत लिखते वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए बहुत बेचैन हूं। अम्मी, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं, मैं खुश हूं और खैरियत से हूं, क्योंकि आपकी दुआएं जो मेरे साथ हैं, मैं हर रोज, हर सुबह, हर शाम आपको, दादी जान को याद करता रहा हूं। दिन की धूप, अब्बा हुजूर के जज्बात की गर्मी का पैगाम देती रही है, जिससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। रात का साया मां की ममता की बरसात करता रहा है। अम्मी जान, आप मुझे कभी भी अपने आप से दूर मत समझिएगा। कोसों दूर रहकर भी आप सब हर वक्त मेरे करीब रहते हैं। दादी जान और अब्बा हुजूर की खिदमत में मेरा सलाम कहिएगा और करीम को मेरा बहुत बहुत प्यार। आपका बेटा टीपू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चुक चुक जियो मेरे बेटी, चुक चुक जियो। क्या हुआ? क्या किसी लड़ाई में सिपाहियों का जानी नुकसान हुआ है? नहीं तो। तो फिर क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कहीं किसी ने आपके साथ गद्दारी तो नहीं की? अल्लाह ना करे। तो फिर क्या पुंडिया ने ऐसी कोई बात कह दी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? ऐसी भी कोई बात नहीं है फखरुन। तब तो जरूर राजा साहब ने ऐसी कोई उलझन पैदा की होगी जिसकी वजह से आप नाराज हैं। क्या और कोई वजह नहीं हो सकती इस उदासी की? मेरा मतलब है कोई जाती वजह भी तो हो सकती है। जाती वजह? तो क्या आपको बच्चे की याद आ रही है? हाँ फखरुन, हाँ। बेटे से इतने लंबे अरसे तक जुदाई दिल को उदासी के सिवा और क्या दे सकती है? तो क्या आपको भी बच्चे की जुदाई का गम हो रहा है? नहीं, तुम क्या समझती हो टीपू की जुदाई का गम सिर्फ तुम्हें है? शायद तुम नहीं जानती फखरुन, मैंने किस तरह सीने पे पत्थर रख कर उसे खुद से अलग किया है। टीपू मेरे अरमानों का बीज है। अल्लाह की मेहरबानी से
आपने उसे इंसानों की शक्ल दी है, लेकिन उसमें मेरा लहू है, वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। मुझसे दूर होगा तो दुख नहीं होगा। तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरे किस कदर अरमान और कितनी आरजुए उसकी जिंदगी से वाबस्ता है। मेरे ख्वाबों की ताबीर करने वाला एक वही तो है। मुझे आज महसूस हुआ कि आप भी टीपू को उतना ही चाहते हैं जितना कि मैं। हाँ फखरुन, बच्चे ही दुनिया में माँ बाप की जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, मरने के बाद भी उन्हें जिंदा रखते हैं। मैं चाहता हूं मेरा लख्त जिगर, हमारा बेटा दुनिया में वो काम कर दिखाए जो आज तक किसी ने नहीं किया, जिनकी वजह से उसे दुनिया में मुझसे ज्यादा इज्जत मिले और वो हिंदुस्तान के अजीम शान हुक्मरानों में अपना नाम पैदा कर सके। आपको लगता है हमारा टीपू ये सब कर पाएगा? क्यों नहीं, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और फिर बेगम, हमारा टीपू कोई मामूली बेटा नहीं, उसकी समझ, उसकी सूझबूझ, उसके सोचने का मायार हमसे कहीं ऊंचा है। तुमने देखा नहीं उसके चेहरे पे कितना नूर है, उसके आंखों में कितनी चमक है। क्या तुम्हें नहीं लगता बेगम कि वो ये सब कर पाएगा? लगता तो है, लेकिन मेरा फूल जैसा बच्चा ये सब। उस फूल की नजाकत को खत्म करके उसे फौलाद बनाना है बेगम। उसे गर्मियों की धूप में तपकर और सर्दियों की शिद्दत सहकर और दिन रात फौजी तरबियत के सांचे में ढलकर ऐसा बहादुर इंसान बनना है जिस पर हम ही नहीं हमारी सारी कौम नाज कर सके। और वो अपने कारनामों की छाप हिंदुस्तान की तारीख में छोड़ जाए, रियासत मैसूर का शेर बनकर इस सरजमी की हिफाजत करे। ये मेरा अकीदा है बेगम, ये मेरा अकीदा है। अल्लाह इस अकीदे को जरूर पूरा करेगा। माफ कीजिए, आप अल्लाह की जात पर भरोसा भी करते हैं और कभी कभी उससे नाराज होकर न जाने क्या क्या कह देते हैं। उससे माफी भी तो मांग लेता हूँ। बच्चा गलती करके अगर अपने बाप से माफी मांग ले तो क्या वो उसे माफ नहीं करेगा? कुरान मजीद में भी खुदावंद करीम ने खुद फरमाया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालदैन से 70,000 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे अपना समझ कर सब कुछ कह देता हूँ, सारे गिले शिकवे उसके सामने रख देता हूँ। तकलीफ में उसके सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे तो फिर किससे फरियाद करेंगे बेगम? अच्छा हैदर साहब, एक खुशखबरी सुनाऊं? हाँ हाँ बताइए। टीपू का खत आया है। अच्छा, आपका सुल्तान खैरियत से है। अल्लाह तेरा शुक्र। और फौजी तरबियत हासिल कर रहा है। वो खत कहाँ है, हमें दिखाइए। ये रहा, आप पढ़ेंगे इसे? हाँ हाँ बेगम, दिल की नजर से। आओ अब हम तुम्हें मैदान जंग में दुश्मन से टक्कर लेने के अंदाज बताते हैं, उस पर काबू पाने के हथकंडे और चालें सिखलाते हैं। वो चालें जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं, उनके छक्के छूट जाएं। क्या चालों और हथकंडों से दुश्मनों को हरा जाता है? और नहीं तो क्या, जिंदगी भी चालों का एक खेल है। जो सही चाल चल गया वो कामयाब हो गया, वरना नाकाम। इस पहली चाल का नाम है मंगोली तुगलमा। ये वो चाल है जिसे चल के एक सिपा सालार अपनी थोड़ी सी फौज से दुश्मन के बहुत बड़े लश्कर में खलबली पैदा कर सकता है। उसमें भगदड़ मच जाती है और उनके सिपाही अपने होशो हवास खो बैठते हैं। बादशाह दूर कहीं चट्टान या फिर किसी मचान पे बैठकर अपने सिपाह सालार की पैंतरेबाजी देखता है।
दूर बैठकर क्यों? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद मैदानी जंग में आकर लड़ेंगे। खुद ही लड़ोगे? पर लड़ने से पहले समझो तो सही, मान लिया यह किला है और इन पहाड़ियों के बीच ये लड़ाई का मैदान है। दुश्मन के पास 20,000 मुसल्लह जांबाज सिपाही हैं और हमारे पास सिर्फ 5,000। दोनों आमने सामने खड़े हैं और बीच में ये नदी बह रही है। ऐसे हालात में दाएं से, बाएं से और पीछे से छुपकर वार करना होगा। उसके दिल में दहशत पैदा करके वहशत से खून बहाना होगा। अपनी तलवार की प्यास उसके लहू से बुझानी होगी, उसकी पेट में छुरा भोंक कर उसे खत्म करना होगा। नहीं, टीपू ना किसी की पेट में छुरा भोंकेगा, ना किसी पे छुप के वार करेगा, और ना ही टीपू की तलवार बेगुनाहों के लहू से अपनी प्यास बुझाएगी। हमारा तलवार उठाने का कोई मकसद होगा। इससे बड़ा मकसद और क्या हो सकता है कि दुश्मन आप पर हावी हो रहा है और आपकी इज्जत आबरू खतरे में है। मगर ऐसा मौका आए तब ना। ऐसे मौके कदम कदम पर आते हैं। बादशाह अपनी दौलत की हवस और जमीन की भूख मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तारीख लूट मार और कत्लो गारत की मिसालों से भरपूर है। शहंशाहों ने अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए कौन सा सितम नहीं ढाया। मगर बिला वजह खुदा के किसी बंदे का खून बहाना जिहालत है, बेवकूफी है। अगर यही बेवकूफी दुश्मन करे तो उसका सर कुचलने के लिए आप क्या करेंगे? तब टीपू की तलवार उठेगी और वो सितम ढाएगी, वो कहर बरसाएगी कि दुश्मनों के सर पर कयामत टूट पड़ेगी। तो लड़ना पड़ेगा ना? और लड़ने के लिए लड़ाई के हथकंडे भी सीखने पड़ेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ। बस बस और मत डाल। अरे डालने दो हुजूर, डालने दो। अभी दो रगड़े लगा के सारा तेल आपकी खोपड़ी में खपाए देता हूँ। इसमें खुश्की हो जाने से हुजूर खुजली पैदा हो जाती है। खुश्की से खुजली हो जाती है, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मेरी जिंदगी के दो रुख है सरकार, एक सिपाही आना और दूसरा तेल मालिश करने वाला। मेरा नाम वैसे ही नाजिमुद्दीन वल्द करीमुद्दीन खाली खिलजी नहीं है। मैं खानदानी मालिश करने वाला हूँ सरकार, खानदानी। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे नगड़ दादा हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ मालिश करने वाले थे। उन्होंने बड़ों बड़ों की खुजली मिटा दी, आपकी क्या है सरकार। और हमारे दादा हमारे दादा तो हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की खुजली मिटाया करते थे सरकार। और जब तक दादा जान ने बासा सलामत की मालिश की, उनका सितारा बुलंदी पर रहा। दादा जान का इंतकाल होते ही उनकी कामयाबी का सूरज डूब गया और उनके बाद मेरे अब्बा हुजूर को ये पेशा इख्तियार करना पड़ा। और माशा अल्लाह उनके हाथ का भी क्या कहना है, जिसके सर पे हाथ रख दे ना, सर पे हाथ, तो उसकी तकदीर बदल जाए और तख्ता पलट जाए। अच्छा, तुम वो खुजली मिटाने वाली मालिश जानते हो? अरे वही तो कर रहा हूँ हुजूर, वही कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मेरे सिवा और कौन जान सकता है। खादिम को मालूम है कि सरकार को कहाँ कहाँ खुजली होती है। कहाँ हो रही है खुजली? अरे एक जगह हो तो बताऊं सरकार, दिमाग पर, दिल पर, जान पर, रान पर। बदतमीज, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब साफ है हुजूर, आप अपने दुख को समझ नहीं रहे। आपका दर्द यह है कि आपके बचपन का दोस्त हैदर अली कामयाबी के रास्ते पे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और एक आप है जो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और वो तो क्या, उसके बेटे टीपू की परवरिश और फौजी तरबियत का इंतजाम देखिए, और एक आप हैं जो अभी तक शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और फिर सुना है कि महारानी जी भी आप पर बड़ी मेहरबान हैं, फायदा उठाइए। हैदर अली के आगे नहीं तो कम से कम पीछे तो मत रहिए। सल्तनत की बागडोर हाथ में ले लीजिए और नाची इसको अपने सिप्पे सालार बना लीजिए।
मैसूर के महाराजा की रंगीन मिजाजी का फायदा उठाकर निजाम के सलाबत जंग ने श्रीरंगापट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त मैसूर के वजीर आजम नंजराज श्रीरंगापट्टनम में मौजूद नहीं थे। देवराज की बेईमानी से बदजन फौज ने सलावत जंग की ताकत के सामने अपने हथियार डाल दिए। जब इन तमाम वाकयात की खबर महाराजा कृष्ण राव के पास पहुंची तो वो हसबे मामूल उस वक्त इल्म मौसिकी में मशगूल फन की रंगीनियों का लुत्फ ले रहे थे। देवराज ने मजबूर होकर सलावत जंग से सुलहनामे की दरख्वास्त की और सलावत जंग ने 50 लाख रुपया बतौर तावाने जंग लेकर महासरा तोड़ने का वादा किया। आपके मुतालबे के मुताबिक ये रही 50 लाख की रकम। अब आप मैसूर की राजधानी से अपनी फौजें हटा लीजिए। ठीक है, जब आपने तावाने जंग अदा कर दिया है तो हम अपनी फौजें भी हटा लेंगे। नहीं नहीं, रुक जाओ, ये क्या कर रही नर्तकी? तुम्हारे भाव सही नहीं है, हम तुम्हें करके दिखाते, देखो और ऐसे करो। कहिए क्या परेशानी है? कई बार आपसे कहा, जब हम नृत्य में खोए हुए हों तो हमारी साधना को भंग करने मत आया कीजिए। हम तो सुरों की दुनिया में खोए हुए थे, आपने हमारे सुर की लय तोड़ दी। आखिर आपने हमारे श्रृंगार रस में रौद्र रस क्यों मिला दिया? आपको श्रृंगार रस की पड़ी है, उधर सलावत जंग की फौजों ने रौद्र रूप धारण कर लिए है, श्रृंगापट्टनम को घेर लिया है। सलावत जंग ने घेर लिया है तो हम क्या करें? सेनापति से कहिए, रक्षा मंत्री से कहिए, दीवान देवराज जी से कहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे, वो इसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। सलावत जंग 50 लाख दंड युद्ध मांग रहा है। नंजराज सती मंगल में अपना मुंह छुपाए हुए बैठे हैं। देवराज ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया, आप शायद उसे भूल गए हैं। हमें याद है, आप शायद भूल गई कि हम उनको क्षमा भी कर चुके, वो अवश्य इसका कोई रास्ता निकालेंगे। क्यों नंजराज, अब समझ में आया? तुम कहते थे ना कि मैं रुपया क्यों जमा कर रहा हूं, आज था तो बुरे वक्त में काम आ गया। अगर उस राजा के पास होता तो नाच गाने में बर्बाद कर देता। रियासत का रुपया रियासत के काम आ गया, आपने कोई एहसान नहीं किया।
अगर यही रुपया रियासत की फौजी ताकत बढ़ाने के काम आता तो आज हमें सलावत जंग के सामने इस तरह घुटने न टेकने पड़ते। हमारी फौज अपने बलबूते पर दुश्मन के दांत खट्टे कर देती और उसे मुंह की खाकर भागना पड़ता। लेकिन जहां मंत्री बेईमान हो वहां संतरी ईमानदार कैसे हो सकता है? बेईमान ओहदेदारों के होते हुए कोई सल्तनत पनप नहीं सकती, एक ना एक दिन उसका जवाल लाजमी है। और अब वक्त आ गया मैसूर की सल्तनत की बर्बादी का। उल्टी जबान मत खोल नंजराज। उल्टी जबान नहीं बोल रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है और तारीख गवाह है। ऐसा हुआ है, होता आया है और फिर होगा। आज सलावत जंग ने घेरा डालकर 50 लाख वसूल किए, कल कोई और खड़ा हो जाएगा। और कौन खड़ा हो जाएगा? बालाजी बाजीराव पेशवा की ताकत कम है क्या? हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर मौका मिलते ही वो हाथ मारेगा। और फिर अब तो सबको मालूम पड़ गया है कि हम लड़ने की बजाय अपनी जान छुड़ाने के लिए पैसा देना बेहतर समझते हैं। तुम गलत फहमी में हो नंजराज। पेशवा हिंदू राजा है, वो हिंदू राज्य पर हमला करेगा ही नहीं। गलत फहमी में तो आप हैं भाई साहब। रियासत कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करती। जर जोरू जमीन की तरह जिसके कब्जे में हो उसी की हो जाती है। और फिर अच्छे बुरे तो हर मजहब और हर कौम में होते हैं। सियासत में अपने अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान का और मुसलमान हिंदू का साथ देता आया है। क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों, गलत कहा क्या? शिवाजी ने जब अपना पहला रिसाला बनाया तो वो पठानों का था। अकबर आजम के सिपाह सालार राजा मान सिंह थे, औरंगजेब के सिपाह सालार राजा जय सिंह थे, और जय सिंह के मरते ही औरंगजेब की हुकूमत भी खत्म हो गई थी, उसका सिंहासन टूट गया था। लिहाजा ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मराठा रियासत मैसूर पर हमला नहीं करेगी। उसे भी दौलत की भूख है, अपनी सल्तनत बढ़ाने की हर बादशाह को हवस है। महामंत्री नंजराज की पेशेंगोई सही साबित हुई। जैसे ही सलावत जंग तावाने जंग की शक्ल में 50 लाख की रकम वसूल कर हैदराबाद पहुंचा, बालाजी बाजीराव पेशवा ने अपने सेनापति गोपाल राव को मैसूर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। सेनापति गोपाल राव ने रास्ते के सब इलाकों पर कब्जा करके श्रीरंगापट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। जब देवराज अपने छोटे भाई नंजराज से मुलाकात करके श्रीरंगापट्टनम पहुंचे तो राजधानी को घिरा हुआ देखकर घबराए। रियासत मैसूर की माली हालत तो पहले ही खराब थी। महामंत्री और रक्षा मंत्री नंजराज त्रिशनापल्ली की बाजी हार कर सती मंगलम पहुंच गए थे। हैदर अली डंडी गुल के सूबेदार बनकर चले गए थे। बिखरी हुई फौज के हौसले पहले ही टूट चुके थे। राजा अपनी रंगीनियों में खोए हुए थे। देवराज के पास गोपाल राव के सामने सर झुकाने के सिवाय और कोई रास्ता न था। जब देवराज ने गोपाल राव से सुलह की दरखास्त की तो उसने 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। ने अहदनामे पर दस्तखत करके वो रुपया अदा करने का वादा किया और महाराज के दरबार में ये वादा पूरा करने के लिए पेश हुआ। वजीरे फजाना, श्री देवराज जी महाराज की सेवा में दीवाने खास में पधार रहे हैं। कहिए क्या खबर लाए हैं देवराज जी? गोपाल राव ने और सदाशिवराव की फौजों ने हमारे बौर से इलाके को कब्जे में कर लिया है
और श्रीरंगापट्टनम को घेर लिया है। वो 1 करोड़ रुपया तमाने जंग लेकर हमारा इलाका खाली करने के लिए राजी हैं। अभी अभी सलावत जंग 50 लाख रुपए की रकम लेके गए तो बालाजी बाजीराव ने हमारी राजधानी को घेर लिया। हमारा महल सोने की ईंटों का बना हुआ तो नहीं, निकाले और उनकी झोली में डाल दें। मगर हमें 1 करोड़ रुपए की रकम तो चुकानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी फौजें हमारी राजधानी पर कब्जा करके हमारे महल में घुसाएंगी और फिर हमें पेशवा बालाजी बाजीराव की गुलामी कबूल करनी पड़ेगी। गुलामी? क्या बात करते हो, महाराजा विजयराज बाजीराव की गुलामी नहीं कबूल करेगा। तो फिर हमें रकम का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। कोई पेड़ के पत्ते तो नहीं तोड़े और उनको दे दिए जाए? हमारी जड़ें तो पहले ही से खोखली हो चुकी हैं। उन्होंने मेरे दस्तखत मुआयदे पर करवा लिए हैं, जिसमें लिखा है कि जब तक हम उन्हें 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे हमारे इलाके उनके कब्जे में रहेंगे। क्यों किए ऐसे मुआयदे पर दस्तखत? क्या हक है आपको रियासत की इज्जत और आबरू का सौदा करने का? महारानी जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो फिर करिए रकम का बंदोबस्त और दे आइए। मेरे पास जो कुछ था वो मैं दे चुका। देवराज जी, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लग जाती है। आपने हमें पैसा देकर हम पर कोई एहसान नहीं किया। बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। देवन हिंदी, नानापुर और कोलार के इलाकों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ डंडीगल का इलाका है जहाँ के पालीगारों से हैदर ने काफी रकम इकट्ठा कर ली है और कई सालों का बकाया लगान भी वसूल कर लिया है। यही वक्त है हैदर की आजमाइश का। उससे मिलकर आप रकम का बंदोबस्त कीजिए। हाँ देवराज, वो हमारा मुसीबत में साथ दें और हमें उन पर पूरा एतबार। जो आगे महाराज। हाँ हैदर, मैसूर राज्य घोर संकट में है। जिस रियासत का नमक खाकर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं उस पर मुसीबत। महाराज बहुत मुश्किल में है, उनकी समस्या को सुलझा दो। मगर कैसे? उनकी मदद करके। देवराज जी ने बालाजी बाजीराव से मुआयदा करके उन्हें 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। मगर नंजराज जी, इतनी बड़ी रकम दुश्मन को देकर तो हमारी माली हालत और भी कमजोर हो जाएगी। मगर वो सरहदी इलाके जिन पर उनके सेनापति का कब्जा है, इस रकम की अदायगी के बगैर वापस नहीं मिलेंगे। और मैं ये चाहता हूं हैदर, तुम ये रकम मेरे साथ चलकर महाराजा साहब की खिदमत में पेश करो, ताकि मैं भी तृष्णापल्ली का दाग अपने माथे से मिटा सकूं। मेरे पास जो भी रुपया है वो रियासत मैसूर की अमानत है, मेरी जाती मिल्कियत नहीं। मैं उसे रियासत मैसूर को सौंपने के लिए तैयार हूं, मगर इस तरह सर झुकाकर दुश्मन के कदमों में दौलत की थैलियां रखना बुजदिली है। मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता नंजराज जी। कई काम अपने जमीर को मारकर भी करने पड़ते हैं हैदर, और इस वक्त मैसूर की इज्जत को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। उनको तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए पैसे के बंदोबस्त के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, अगर महाराज का यही हुक्म है तो मैं उनकी अमानत उनके कदमों में रख दूंगा। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक 1 करोड़ की रकम तो हाजिर है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी रियासत के मेहनत कश इंसानों, मजदूरों और किसानों की कमाई हमें दुश्मन को बतौर तावाने जंग अदा करनी पड़ रही है। बेहतर होता कि हम इसी रकम से
एक मुसल्ला फौज तैयार करके दुश्मन के इरादे नाकाम कर देते। दुश्मन के घिराव में आके देवराज जी ये फैसला कर बैठे और उनके मुआहदे पे दस्तखत भी कर दिए। इस वक्त ये रकम अदा करके इस मुसीबत को टाल दो हैदर। आइंदा के लिए मैसूर की हिफाजत हम तुम्हें सौंप देंगे। जैसा आपका हुक्म। पटन से डंडीगुल के सूबेदार हैदर अली पधार रहे हैं। आने दो। आइए पधारिए। सलाम। बैठो। राजा साहब ने अपने वादे के मुताबिक रकम भिजवाई है। क्या मतलब? 1 करोड़ रुपए का प्रबंध हो गया? जी हाँ। लेकिन राजा साहब तो बहुत मजबूरी दिखा रहे थे। जी हाँ, मजबूरी में ही बंदोबस्त करना पड़ा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे महल का कीमती सामान, ताजो तख्त, हीरे जवाहरात, राजा रानी के जेवरात बेच के रकम इकट्ठी की है। अल्लाह वो दिन न दिखलाए आज भी रियासत मैसूर की आवाम में अपनी रियासत की आबरू बचाने के लिए जाफिशानी का दम है। इसका मतलब है महाराजा कृष्णा राव के पास काफी दौलत है। वाकई बहुत धनवान राज्य है आपका। ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये डंडीगुल की लगान की वसूली की रकम है जो आप लोगों को दी जा रही है। समझ गया। इसका मतलब है सारा इलाका छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, सारा इलाका, पूरा इलाका। जब आपको मुंह मांगी रकम दी जा रही है तो वो इलाका भी आपको छोड़ना ही होगा जो आपने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है। अच्छा, तो ये तेवर हैं आपके? तेवर दिखलाने का तो महाराजा ने मौका ही नहीं दिया, इसी बात का तो अफसोस है। आप हमारे कागजात वापस कर दीजिए जिन पर देवराज जी के दस्तखत हैं। हाँ हाँ, कागजात मिल जाएंगे। उन कागजातों के अब मायने भी क्या हैं? उनके मायने हम आपसे कहीं ज्यादा समझते हैं। जिस सौदे की वजह से हमारी इज्जत गिरवी रखी गई, क्या उसके कोई मायने नहीं? बात करने का अंदाज तो बहुत कड़वा है आपका। ये कड़वाहट उन जज्बात की वजह से है जिनसे मेरा सीना झुलस रहा है। इस रकम पर आपका कोई हक नहीं था जो हमें महाराजा की एक भूल की वजह से आपको देनी पड़ी। काश मुझे महाराज ने हुक्म दिया होता तो मैं रियासत मैसूर की आबरू बचाने की खातिर लाखों जाने निसार कर देता। कागजात! गोपाल राव साहब, इलाका तो आपको छोड़ना ही होगा। कागजात ही तो ले गया है, इलाका तो अपने कब्जे में। दे आए रकम? हाँ पंडित,
लेकिन बहुत जिल्लत महसूस हुई, सर शर्म से झुक गया। जिल्लत और शर्म की तो बात है, पहले निजाम को 50 लाख दिए और अब्बाजीराव को 1 करोड़, ये बात तो हर जगह फैल जाएगी। अब तो कोई भी रियासत हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हावी होने की कोशिश करेगी। राजा साहब ने बहुत बड़ी गलती की है पंडित। राजा साहब ने कब गलती नहीं की, सच पूछो तो अब वो रियासत की भागदौड़ संभालने के काबिल नहीं रहे। उन्हें ये काम ऐसे इंसान को सौंप देना चाहिए जो मैसूर की इज्जत का ख्याल रख सके, वरना उनका राजपाट सब छिन जाएगा। ऐसा मत बोलो पंडित। क्यों, कोई भी छीन सकता? अब देखो ना, पहले देवराज की नीयत खराब हुई, वो तो नंजराज की नसीहत पर अमल करके आपने मौके को संभाल लिया, वरना राज्य तो जाता उनके हाथ से। हां, मुश्किल में तो आ गए थे वो। अब सोचने का वक्त आ गया हैदर साहब। नंजराज भी तृष्णापल्ली की बाजी हारकर सियासत में मात खा चुके हैं, अब वो पहले की तरह जमकर हुकूमत नहीं कर सकते और राजा साहब की नजरों में भी गिर चुके हैं। मैं वजीर आजम साहब से बात करूंगा। यह वक्त बात करने का नहीं है हैदर साहब, बल्कि फैसला करके किसी भी नतीजे पर पहुंचने का है। मतलब साफ है हैदर साहब, वक्त की नजाकत को समझकर वो जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कीजिए जिसके आप काबिल हैं। किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो पंडित? पड़ोसी रियासतों को बताना होगा कि हमारे यहां सिर्फ कायर और बुजदिल लोग ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे वीर सूरमा मर्द लोग भी हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो पंडित, मगर ये तो उनसे टक्कर लिए बिना साबित नहीं हो सकता। तो टक्कर लेनी होगी, वरना जिसके मुंह एक बार राजा साहब ने खून लगा दिया वो बार बार हमारा खून चूसने के लिए आएगा। ऐसे में क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? बल्कि मैं तो कहता हूं कि तलवार के बलबूते पर छीन लो वो इलाका जो गोपाल राव ने पैसे लेकर भी नहीं छोड़ा। लेकिन इसके लिए राजा साहब का हुक्म भी तो जरूरी है। अगर वो हुक्म देने के काबिल होते तो हुकूमत की ये हालत नहीं होती। अब आप उनसे हुक्म लेने के बजाय अपने जमीर से हुक्म लीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़िए हैदर साहब। लेकिन पंडित, नंजराज साहब का मशवरा तो जरूरी है। एक वक्त से पिटे इंसान से मशवरा लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैदर साहब, उनकी एक भूल ने उनकी शख्सियत को वक्त की धूल में मिला दिया। अब इतिहास के सितारों में वो बुलंद होगा जो मैसूर राज्य को संभाल सकेगा। इस वक्त मैसूर को एक निडर सिपहसालार की जरूरत है और आपके सिवा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर इस वक्त आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये मक्कार अंग्रेज अपनी गंदी चालें चलकर हिंदुस्तान की रियासतों को एक दूसरे से टकराकर इस कदर कमजोर कर देंगे कि बहुत जल्द हम सब पर हावी हो जाएंगे। वक्त की पुकार सुन लीजिए हैदर साहब और समय की मांग को पूरा कीजिए। एक भी दुश्मन बचते न पाए। शाबाश या
हमारी है, जीत हमारी है, हमारी है, जीत हमारी है, फतेह हमारी है, हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है, हमारी है, जीत हमारी है। हे महाराज विजय राज वेंकटेश्वरा, हैदर अली वंद फतेह मोहम्मद के तारीफी कारनामों से खुश होकर उन्हें रियासत मैसूर का सिपहसालार आजम मुकर्रर करता हूँ। राज्य की सुरक्षा संबंधी हर कदम उठाने के पूरे इख्तियार देता हूँ। उन्हें अपना फर्जंद अर्जुमन बनाने की घोषणा करता हूँ। हस्ताक्षर मोहर विजयराज वेंकटेश्वरा महाराजा मैसूर। महाराज, मुझे इस शुभ अवसर पर कुछ कहने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। मैं प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देता हूं। मेरे कारण रियासत मैसूर को जो जानी माली नुकसान हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैंने आरकोट के नवाब की मदद की, तृष्णापल्ली की लड़ाई में अपनी फौजें भेजी, वो मेरी गलती थी, क्योंकि समय राजनीतिक गलतियों को कभी माफ नहीं करता। इसलिए मैं खुद महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें और मुझे इस भूल का प्रायश्चित करने का मौका दे। नंजराज जी, आपने रियासत आरकाट की मदद करके और तृष्णापल्ली की जंग को अपनी भूल समझ के सच्चाई का सबूत दिया है, लेकिन हमें आपके त्याग पत्र पर विचार करने का थोड़ा समय चाहिए। हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। जो आपकी आज्ञा महाराज। नंजराज जी, ये आपने क्या किया? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर आपने मुझे तो बेसहारा कर दिया, यतीम बना दिया मुझे। नंजराज जी, आप ही के जेरे साया रहकर तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब इससे आगे मैं तुम आगे भी इसी तरह तरक्की करते रहोगे। हैदर, तुम बहादुर हो, दूरंदेश हो, तुम्हारे अंदर अच्छी सूझबूझ है, और फिर जब और जहां तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जहां तक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की बात है, वो जरूरी था, और फिर यह गद्दी मुझे विरासत में तो मिली नहीं। गलती जानने के बाद भी इसके साथ चिपके रहना वतन और कौम के साथ गद्दारी करना है। प्रधानमंत्री के पद पर बने रहकर जनता के बारे में सोचना, जनता की बेहतरी के बारे में जानना अपना फर्ज ही नहीं बल्कि परमो धर्म है। मैंने तृष्णापल्ली को हासिल करने के लिए मैसूर की फौज को जंग के अंदर झोंक दिया, जिससे रियासत मैसूर की बहुत जानो माल की हानि हुई। वो मेरी ही गलती थी। लेकिन नंजराज जी, इस बारे में राजा साहब ने तो आपसे कुछ नहीं कहा। भले ही राजा साहब ने खुद मुझे कुछ ना कहा हो, लेकिन वो मेरी गलती महसूस करते हैं, और फिर मेरे जमीर को भी यह गवारा नहीं कि गलती जानकर भी मैं इस पद पर बना रहा हूं। मेरे कारण उन्हें दुख हुआ, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन
तुम मेरी चिंता मत करो हैदर, हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी को समझो और वक्त के साए में दूर तलक अपने निशान छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हैदर। आखिर कब तक सोचते रहेंगे आप? मैं आप ही से कुछ कह रही हूँ। कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आपका ध्यान तो मुझसे ज्यादा इन अंगूरों की तरफ लगा है। भगवान ने हमें सुनने के लिए कान दिए और हमारे कान आपकी बात पे लगे हुए हैं। नंजराज का त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्यों क्या, इन दोनों भाइयों के करतूत नजर नहीं आते? इन्होंने हम सबको कठपुतली बनाकर रखा है। मेरी प्यारी महारानी, आप ये क्यों नहीं सोचती, जो दूसरों को नचाता है पहले उसे खुद भी नाचना पड़ता है। वैसे नंजराज ना हमारा दुश्मन है ना मैसूर का। हाँ, कुछ अपना ख्याल ज्यादा रखता है। और देवराज? वो नंजराज से भी कुछ ज्यादा अपना ख्याल रखता है और उसकी लगाम खींचने के लिए नंजराज का होना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। इस समय नंजराज खुद हमारा पीछा छोड़ने को तैयार हो गए हैं। किसी भी तरह इस देवराज को भी इस राजनीति से निकाल कर फेंक दीजिए। वो दूध की मक्खी नहीं, जिसे आप बच्चों की बाजी समझ रही हैं, वो बड़े बड़े नौजवानों के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं। इसका मतलब है आप भगवान के दिए हुए इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? अवश्य उठाएंगे, सोच समझ कर उठाएंगे। राजनीति में बुद्धि और बल की जरूरत होती है, इसलिए हम हैदर अली से मशवरा करेंगे। आप कभी खुद भी फैसला करेंगे या यूं ही दूसरों की उंगली पकड़कर चलते रहेंगे? महाराज, ओस चाट लेने से प्यास नहीं बुझती है। मगर हाथी नहा जाता है, पेड़ पहाड़ भीग जाते और किसी को पता भी नहीं चलता। महारानी, सामने आके चांदमारी करने वाले पहचान लिए जाते हैं और किसी के पीछे से निशाना लगाने वाले बुद्धिमान कहलाते हैं। हैदर अली नंजराज का आदमी है, उसी का आगे बढ़ाया हुआ। वो हमारा भी आदमी है और नंजराज से कहीं ज्यादा, उस पर हमारे एहसान है। लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम। ये जिंदगी और तंदुरुस्ती के लिए। वा तो इज्जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। ये इज्जत और शोहरत के लिए। इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। ये तरक्की और कामयाबी के लिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये फतह और कामरानी के लिए। वाइजा कीला लहुम ला तुफसिदु फिल अर्ज। ये इंसानों को शर और फसाद से अमनो अमान में रखने के लिए। اهدنا الصراط المستقيم। ये अल्लाह के बंदों के मामलात में अदल व इंसाफ के लिए। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير। ये घर और वतन की तरक्की और हिफाजत के लिए। अम्मी जान, आज आपका बेटा सिपा सालार बना दिया गया है। जुग जुग जियो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो,
हर शाम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। अम्मी जान, मुझ पर अल्लाह का जितना भी फजल हुआ है सब आपकी दुआओं का असर है। हाजामिन फदले रब्बी, ये सब पालने वाले की मेहरबानी है मेरे लाल। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों पर करम फरमाते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? मोमिन का सर कुरान की रेहल होता है, उसे किसी के कदमों पर नहीं रख सकते। अम्मी जान, मेरे लिए आपके कदम किसी सजदागाह से कम नहीं। तुम सलामत रहो माँ का मर्तबा पहचानने वाले, जहाँ तुम्हारे कदम पहुँचे वहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों के हाथ ना पहुँचे। ऐ मेरे मालिक, जैसी फरमा बरदार औलाद तूने मुझे दी है वैसे ही हर माँ को दे। आमीन। अम्मी जान, हकदारों को उनका हक पहुँचाने में देर हो रही है। हाँ बेटी, इन कश्तियों को मंदिरों और मस्जिदों में भिजवा दो ताकि गरीबों में बांट दी जाए। जी अच्छा। अरे तुम ही तो मेरे गले लग जाओ, इस खुशी की असली हकदार तुम ही तो हो। बेटा, अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखना। महाराज की इज्जत और हिफाजत और नंजा राज के एहतराम का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखना, उनके तुम पर बहुत एहसान है। मेरे लाल, तुम्हारे हाथों बेवजह किसी सुहागन की मांग ना उजड़े, बेखता किसी दुखिया की गोद ना सुनी हो जाए, किसी गरीब का घर ना बर्बाद हो जाए और अल्लाह के किसी बंदे की बेमकसद जान ना चली जाए। यही तुम्हारी माँ की नसीहत है, यही रसूल का पैगाम है, यही अल्लाह का फरमान है। दास के लिए महारानी का हुक्म। शायद हमने तुम्हें मान देकर भूल की है, तुम अब तक हमारा कोई काम नहीं कर सके। सच है, जो अपने दामन की गर्द तक ना साफ कर सकता हो वो दूसरों के रास्ते के कांटे कैसे हटाएगा। दास ने पूरी कोशिश की मगर शत्रु के भाग्य उज्जवल थे, वो मेरे हर वार से बच निकले। नहीं, तुम्हारे किसी भी वार का समय ठीक नहीं था और इसीलिए प्रधानमंत्री का पद तुम्हारे लक्ष्य से अब भी दूर है। यह मेरा दुर्भाग्य है। भाग्य दुर्भाग्य की बातें कायर किया करते हैं खांडेराव, हम तुम्हें एक आखिरी मौका और देते हैं। अगर तुमने इसे गवा दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। खांडेराव जान दे देगा मगर इस अफसर को हाथ से नहीं जाने देगा। तुम जानते हो नंजराज प्रधानमंत्री के पद से खुद ही हटने को तैयार हो गया है, हो सकता है इसमें भी उसकी कोई चाल हो, लेकिन हमें उसकी हर चाल को नाकाम करना होगा। महारानी की आज्ञा का पालन किया जाएगा। महाराज ने उनका त्याग पत्र अभी स्वीकार नहीं किया है, कल हैदर से बातचीत के बाद कुछ निर्णय करेंगे। और हैदर नंजराज के विरुद्ध नहीं जा सकता क्योंकि उसका हाथ नंजराज के पांव तले दबा हुआ है। महारानी ठीक कहती है, हैदर अली नंजराज का समर्थन करेगा। भगवान ने हैदर अली को बल के साथ बुद्धि भी बला की दी है और चतुराई उसे पूर्णैया से प्राप्त हो रही है। चतुराई का जवाब चतुराई से दिया जाएगा। इसके लिए आपको महाराज के मुंह में अपनी जबान रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं हमें क्या करना है, तुम केवल इतना याद रखो
कि तुम्हें खुलकर हैदर का विरोध करना है, महाराज का विरोध करना है और महारानी का साथ देना है। सेनापति हैदर अली साहब महाराज की सेवा में पधार रहे हैं। महाराज का नमक ख्वार और जानिसार हाजिर है। सेनापति जी, महाराज ने प्रधानमंत्री नंजराज जी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है और यही सूचना देने के लिए आपको कष्ट दिया गया है। महाराज, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा कबूल करने में इतनी जल्दी ना करें, मैं उन्हें समझा लूंगा। और फिर महाराज, मैसूर को अभी उनकी जरूरत है। मगर हमें उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने मैसूर की तामीर और तरक्की में अपनी जिंदगी सर्व की है। उनके कारनामे मैसूर के चप्पे चप्पे पर आज भी नजर आ रहे हैं। उन्हें इस तरह रियासत की सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। महाराज, वो अलग हो चुके हैं। उन्होंने देवन हिली पर हैदर साहब से हमारा वफादार भेंट चढ़ा दिया। तुचनापल्ली के लालच में हमारी आधी फौज कटवा दी। अगर रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर हमला करके चंदा साहब की ताकत को दो भागों में बांट न दिया होता तो हमारा एक भी सिपाही वापस न आता, शायद आप भी नहीं। उनके भाई ने हमारे धन भंडार को भिखारी का ठेकरा बना दिया और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने मैसूर को इतना निर्बल और निर्धन कर दिया कि हमारे पड़ोसियों ने हमारी छाती पर घुटने टेक कर हमसे मनमानी करा ली। सलावत जंग को युद्ध दंड के 50 लाख देने पड़े। सदाशिव राव को युद्ध दंड अदा करने के लिए अपने 13 इलाके गिरवी रखने पड़े। ये कारनामे हैं उनके जो कभी बुलाए नहीं जा सकते। हमने प्रधानमंत्री के पद पर खांडे राव जी को नियुक्त कर दिया है। आप दीवान देवराज जी को खबर कर दें कि उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया है। महाराज की इज्जत और हिफाजत और नंजाराज के एहतराम का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखना मेरे बच्चे, अपनी जान से ज्यादा रखना। महाराज, क्या नंजराज जी से ज्यादा भी कोई सियासत और हुकूमत समझ सकता है? ये सोचना हमारा काम है, आपका नहीं। नमकख्वार महाराज की राय जानना चाहेगा। हम जो कुछ कह रहे हैं वो महाराज के ही विचार हैं। फिर भी अगर महाराज अपनी जबान से फरमा दें तो बेहतर होगा। हम आपको अपना समझते हैं और हम ये चाहते हैं मैसूर राज के जब तक आप सेनापति हैं, नंजराज जी प्रधानमंत्री के पद पे ना होते हुए भी प्रधानमंत्री रहेंगे। हम चाहते हैं कि महारानी को राजनीति में हर चीज का अनुभव होना चाहिए। महाराज की खुशी का एहतराम किया जाएगा। जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? मैं क्या जानू तुमने क्या सुना है पंडित? यही कि नंजराज की जगह खांडे राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। हाँ, ये सच है। तो इसका मतलब है कि मैसूर के राज दरबार में जो शतरंज की बिसात बिछी हुई थी वो तुमसे लपेटी नहीं गई, सिर्फ खिलाड़ी और मोहरे बदल गए हैं।
मैं समझा नहीं पंडित। बहुत जल्दी समझ जाओगे हैदर। पंडित पंडित हम ठहरे पंडित धारी भाई, बगैर समझाए हम कुछ नहीं समझते। तो सुनो, पहले मोरे थे महाराज और खिलाड़ी थे नंजराज और देवराज। एक सुलझा हुआ, दूसरा उलझा हुआ, और अब मोरा है खांडेराव और खिलाड़ी है समझदार महारानी। तुम कहना क्या चाहते हो पंडित? गौर से सुनो हैदर, इस मोरे की पहली चाल सीधे तुम्हारे घर तक होगी, और अगर तुम्हारी गोट पिट गई तो फिर समझ लो मैसूर राज्य की बिसात भी पलट गई। बात सुनो पंडित, हमारी जिंदगी में मैसूर या हैदर पे कोई आंच आए ये नामुमकिन है, और अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा मौका आया तो याद रखना पंडित, कावेरी के बराबर उससे भी बड़ी एक नदी लहू की बहेगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी मोहम्मद अली, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर एक अनाथ लड़का जंगलों में भटकते भटकते मैसूर का सिपा सालार बन सकता है, अगर सियासत पे छाए हुए नंजराज और देवराज अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं, अगर महारानी पुरुषों की राजनीति में अपना पासा डाल सकती है, तो वो भी हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं। शायद तुम ठीक सोच रहे हो पंडित, इसका मतलब है हमें अपने साए से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। नवाब बसाला जंग बहादुर आधुनिक एलची सिपे सलारे आजम शेख हैदर अली साहब की खिदमत में अपना सलाम पेश करता है। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि आपको रियासते मैसूर की सिपे सलारी मुबारक हो। आमीन। हमारी तरफ से भी आप नवाब बसाला जंग को शुक्रिया अदा कीजिएगा। अब आप ये फरमाइए कि आपके आका ने एक पड़ोसी रियासत के सिपा सालार को किस मकसद के तहत याद फरमाया है? हमारी फौजें कई माह से होसकोट का मुहासिरा किए हुए हैं, लेकिन गुजरते हुए हर वक्त के साथ हमारी फौजें नाकामयाब हो रही हैं, और नाकामी का अंधेरा हमारे हौसलों को पस्त कर रहा है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। अधूने के खात्मे के अलावा आपकी हर शर्त हमें कबूल है। इस सादे कागज पर मेरे आका के दस्तखत और मोहर है, आप जो चाहे तहरीर फरमा लें। ठीक है, मुंशी हाजिर किया जाए। आइए। लिखो। بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معاہدہ ہے درمیان نواب بسالہ جنگ بہادر اور ریاست میسور کے سپاہ سالار شیخ حیدر علی ولد فتح محمد کے۔ دونوں فریق اس معاہدے پر لکھی تمام شرطوں پر عمل کرنے کے لیے پابند ہوں گے۔ پہلی شرط، شیخ حیدر علی اپنی فوج کے ساتھ हुसकोट का किला फतेह करने के लिए अधूनी की फौज की मदद करेंगे। दूसरी शर्त, कामयाबी के बाद हुसकोट का किला मैसूर का होगा। तीसरी शर्त, गरमकुंडा के किलों पर भी मैसूरी फौजें कब्जा करेंगी। चौथी और आखिरी शर्त, नवाब बसालत जंग बहादुर शहंशाह दिल्ली से शेख हैदर अली के नाम सूबे सिरा की नवाबी का परवाना जारी करवाएंगे। पहली शर्त की कामयाबी के फौरन बाद आपकी बाकी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। महारानी की इच्छा का पालन किया जाए। महारानी के राज में
महाराजा विजयराज वेंकटेश्वरा ने प्रधानमंत्री श्री नंजराज का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। उनके पद पर श्री खंडेराव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और दीवान देवराज जी को पद मुक्त करके उनका पद महारानी को सौंप दिया है। हस्ताक्षर मोहर महाराज धीराज विजयराज वेंकटेश्वरा महाराजा मैसूर। मैं अपने महान महाराजा के सामने धरती माँ की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने महाराज महारानी और मैसूर के प्रति वफादार रहूंगा। मैं खांडेराव जी को इस सौहदे के लिए दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और इस खुशी के मौके पर महाराज से गुजारिश करता हूं कि अधूनी के नवाब बसालत जंग बहादुर ने महाराज से हॉस्कोट का किला फतेह करने के लिए मदद मांगी है। इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे हमें यह फायदा है महाराज कि हॉस्कोट और गरम कुंडा के किलों के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाके मैसूर के होंगे जो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए काम आएंगे। हम तिरुचिरापल्ली की लालच का फल चख चुके हैं। खांडेराव ठीक कह रहे हैं। निकम्मे नवाबों की मदद करना, टूटी कश्ती पर दरिया पार करना है। तिरुचिरापल्ली की जंग से गोपाल राव के युद्ध दंड तक हमारी पीठ पर लगे हुए घाव अभी भरे नहीं हैं। महाराज इस युद्ध में मैसूर के प्रवेश की बिल्कुल आज्ञा न दें। महाराज हमें अपनी पीठ पर लगे जख्मों के लिए मरहम चाहिए और ये मरहम हमें हॉस्कोट और गरमकुंडा से ही मिल सकता है। महाराज हमें सेनापति जी की सूझबूझ पे पूरा विश्वास है। उनके हाथों बिगड़े काम बन जाया करते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई और हमारे राज की रक्षा भी की। ये हमारे जानिसार और मैसूर के वफादार भी हैं। ये जिस काम का बेड़ा उठाते हैं उसे पूरा कर दिखाते हैं। आपको नवाब साहब की मदद की इजाजत दी जाती है। महाराज आपका नमकख्वार आपका शुक्रगुजार है और आपको यकीन दिलाता है कि बहुत जल्द हॉस्कोट और गरमकुंडा के किलों को फतह करके आपकी खिदमत में हाजिर होगा। जब आप कहीं जाते हैं तो हमेशा सफेद फूल देते हैं और कहीं जाते हैं तो रंगीन फूल भिजवाते हैं, ऐसा क्यों? सीधी सी तो बात है बेगम, सफेदी संजीत की जुदाई और सब्र की निशानी है जो आपसे दूर होने पर मेरे दिल की उदासी से वाबस्ता है। इसीलिए जाते वक्त सफेद फूल पेश करता और रंगीनी खुशी की अलामत है जो आपसे वापस लौट कर मिलने पर हासिल होती है। बेगम आपके हुस्न में जन्नत के बेशुमार रंग शामिल हैं। उनके सामने जमीन की गोद में खिलने वाले इन फूलों की क्या हैसियत। फिर भी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए जो मयसर है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आप इतनी तारीफ कर देते हैं कि मैं फूली नहीं समाती और मेरे पांव जमीन पर नहीं टिकते। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज। मेरे सरताज, अलविदाई तकलीफ दिए हुए आपके लिए आपकी वापसी पर अपने दिल से लगा के रखूंगी। शेर दिल हैदर अली अपनी नेक सीरत, खूबसूरत और चाहने वाली बेगम फख्रुन्निसा को अपना रुख सती तोहफा सफेद फूलों का गुलदस्ता हमेशा की तरह इस मरतबा भी पेश करके अपने जन्नत निशा मकान से महाज़े जंग की तरफ रवाना हुआ। दिनों में तय करता हुआ ये बहादुर सिपाही अपनी फौज के साथ नवाब बदालत जंग के लश्कर से हाउस बोट के मैदान में जा मिला। जिस किले का महासरा महीनों से किए हुए था और उसे पतन न कर सका था, हैदरी के इमदाद के बाद ये किला चंद दिनों में सर कर दिया गया। हैदर अली ने मुआहिदे की दूसरी शर्त के मुताबिक किले और उसके तहत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन लूट का माल और किले का कुल सामान नवाब बसालत जंग के हवाले कर दिया। मगर नवाब ने यह सारा सामान हैदर अली के हाथ 90 रुपया लेकर फरोख्त कर दिया, जिसके नतीजे में हैदर अली ने नवाब बसालत जंग को कभी नवाब नहीं कहा, सिर्फ ताजिर कहा। नवाब बसालत जंग ने मुआहिदे की तीसरी शर्त के तहत किला गर्म कुंडा और चौथी शर्त के तहत सिरा के नवाबी का परवाना भी शहनशाह दिल्ली शाह आलम सानी से हासिल कर हैदर अली तक पहुंचवा दिया। इस पतन के बाद हैदर अली सिरा के सूबेदार और नवाब कहे जाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर शाह आलम सानी शहंशाह हिंदुस्तान की तरफ से सफीर सल्तनत मुगलिया जनाब वजीरुद्दौला बहादुर सिरा की सूबेदारी का परवाना और नवाबी की सनद और तलवार जनाब शेख हैदर अली साहब फतेह बहादुर की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने हैदर अली का भाग्य सोने के कलम से लिखा है। हाउस कोट और गरम कुंडा के साथ उसे सिरा की नवाबी में मिल गई। अब उसका सेनापति के पद पर रहना खतरनाक हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम ठीक सोच रहे हो। मक्कार दोस्त और ताकतवर मुलाजिम से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हैदर अली ने अभी तक तो कोई बात ऐसी नहीं की है जिससे उसकी वफादारी पे शक किया जा सके। की है, जरूर की है। महारानी मुझसे ज्यादा जानती है। हमारी मर्जी के खिलाफ उसने अधूनी के नवाब की मदद की है। हमारी फौजों के बल पर हासिल किए हुए इलाके का खुद मालिक बन बैठा। हमें अंदेशा है कि सिरा का नवाब बनकर
मैसूर दरबार में महाराज के सलाम के लिए वो ना आए बल्कि महाराज को अपने दरबार में बुला भेजे। मगर क्यों? इसलिए कि बीजापुर के बाद मैसूर तेरा के मातहत रह चुका है। बात तो चिंता की है। जो ऐसी बातों की चिंता नहीं करते वो पछताते हैं। आप ठीक कहती हैं। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो अपनी मनमानी करने का आदी है। किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं। जो करना चाहता है कर डालता है। ऐसा आदमी खतरनाक हो सकता है। उसके लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। महारानी की आज्ञा का पालन करना दास का धर्म है। This name is getting on my nerves. He's sweeping the country like a storm. We must check his advances. We must stop him. This Indian is a thorn in the British flesh. Remove it soon, otherwise we can't control this land. Sure, you're quite right. But for this, we have to follow the golden British policy. Divide and rule. For this, we have to create differences among Indians. Make them enemies of each other. Son against father. King against king. Friend against friend. Hindu against Muslim. That's what Lord Clive did. Sir, for this purpose, you must have a meeting with the Prime Minister of Mysore. Yes. Sir, but he's a friend of Hyder Ali. So what? So what? Even Judas was a disciple of Christ. But he also went against him. I want to have an early meeting with Kanda Rao. I will teach him politics. I want this meeting urgent. As you say, sir, we shall have an early meeting with him. All right. All right, gentlemen. That's all for this evening. Okay. Right here. Thank you. Aapko Prime Ministership Mubarak ho. Shukriya, Major Lawrence. Lekin ye Prime Ministership, ye aapka post. अभी मजबूत नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये, जब तक कमांडर इन चीफ आपकी मर्जी पर चलने वाला ना हो, आपका हुक्म मानने वाला ना हो, तब तक आपको खतरा ही खतरा है। He can go any time against you, Mr. Prime Minister। ये पोस्ट अभी आपके लिए कांटों भरा ताज है, और इसमें सबसे बड़ा कांटा हैदर अली है। वो किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका पोस्ट छीन सकता है, आपकी जिंदगी तक को खत्म कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं मेजर लॉरेंस? वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यू डोंट नो, ही सो एम्बिशियस एंड मोर ओवर ही इज अ मुस्लिम। आपका हिंदू स्टेट है। तो क्या हुआ मेजर लॉरेंस? मुसलमान बादशाहों के वजीर और सिपहसालार हिंदू, और हिंदू महाराजाओं के मुसलमान होते आए हैं। हम आपस में ऐसा फर्क महसूस नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं रखते, और यही हमारे देश की सदियों से परंपरा रही है। यू टॉक ऑफ परंपरा, ट्रेडिशन। मगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्यों नहीं समझता? अगर वो मैसूर का वफादार होता तो मोगल किंगडम का एजेंट क्यों बनता? सीरा की नवाबी क्यों कबूल करता? अपना अलग हुकूमत क्यों बनाता? सीरा का इलाका उसने मैसूर में क्यों शामिल नहीं किया? बात साफ है,
It's clear. His intentions are not good. उसका न्याय ठीक नहीं है. आप प्राइम मिनिस्टर है, वो कमांडर इन चीफ है. क्या उसने आपसे पूछ कर क्या? नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा, बल्कि हम तो खुद इस मामले में उसके खिलाफ हैं. और खिलाफ हो जाओ. हमने सुना है एक्सलेंसी महारानी माइसोर आपके फेवर में है. इस मौके का फायदा उठाओ. आपके लिए ये सब बहुत आसान है. हाँ, दूसरा हम एक और आपको टिप देता है, बहुत महत्व का बात बताता है. सुनिए, हारकोर्ट की नवाब और फ्रांसीसियो के बीच जंग छिड़ चुकी है. हम नवाब का साथ दे रहे हैं. हैदराली की फौज सायद मखदूम की कमांड में फ्रांसीसियो की मदद के लिए पांडिचेरी जल्द ही रवाना होने वाली है. सुनहरी मौका है आपके पास, इसका फायदा उठाइए. आईडी स्कॉट हिट करो और इस कांटे को बाहर निकल फेंको. हम आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है. Yes. प्रधानमंत्री जी, इस समय आने का कारण? अन्नदाता, आपसे प्रार्थना है कि इस सेवक को प्रधानमंत्री पद से मुक्त किया जाए. हमने हैदर अली से पूछ के आपको प्रधानमंत्री बनाया है. हम उनसे पूछे बिना आपको इस पद से हटा भी नहीं सकते. सेवक को यही तो अचरज है कि आपके होते हुए हुक्म हैदर अली का चलता है. नंजराज और देवराज गए तो क्या हुआ, उनकी जगह हैदर अली ने ले ली. आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि पांव की धूल से तिलक नहीं किया जाता. रास्ते के कंकर पत्थर राजमुकुट में हीरे मोती की जगह नहीं ले सकते. महाराज, छोटे आदमी को इतना बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए कि वो अपनी औकात भूल जाए. आप सेनापति जी के बचपन के साथी होकर उनके विरुद्ध आप हमें भड़का रहे हैं. सेवक तो महाराज को सिर्फ ये बता रहा है कि मुझसे बेहतर हैदर को और कौन जान सकता है. सेवक महाराज का नमक हलाल है. रानी का और महाराज का भला सोचना मेरा कर्तव्य है. जब से मुगल शहंशाह शाह आलम ने उसे सिरा की नवाबी दी है, उसने आपके सलाम को आना भी छोड़ दिया है. निजाम हैदराबाद के होते हुए हैदर अली के मुंह पर नवाबी अच्छी नहीं लगती. वो अभी तक मैसूर ही नहीं आए. अगर इस समय कोई दुश्मन आकर हमला कर दे तो रक्षा कौन करेगा? हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत हमारे लिए अच्छी नहीं. कहीं मैसूर दरबार में भी दिल्ली दरबार की तारीफ दोहराई न जाए. जिस तरह वहां के सैयद भाइयों ने जिसे चाहा उसे तख्त से उतार दिया और जिसे चाहा उसे तख्त पर बिठा दिया, उसी तरह यहां भी हैदर अली कहीं कठपुतली नाचना शुरू कर दे. महारानी, आप सेनापति जी पे बेवजह इल्जाम लगा रही हैं. हैदर अली एक ऐसे शेर का नाम है जो उस वक्त तक हमला नहीं करता जब तक उसे ललकारा ना जाए. इतना समझाने पर भी आपकी आंखें नहीं खुलती. मैं पूछती हूं, आपको हैदर से प्यार है या अपने राज्य से प्यार है? हमें राज से प्यार है, मगर मैं डरता हूं सारे की कोशिश में कहीं आधा भी हाथ से ना चला जाए. तो फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहिए. न खुद कुछ कीजिए और न दूसरे को कुछ करने दीजिए. ठीक है प्रधानमंत्री जी, जो महारानी की इच्छा वो कीजिए.
दिनों से उनकी बेतकल्लुफी की महफिल में बैठे भी तो नहीं। कुछ बेखुदी की बातें होंगी, शरबत का दौर चलेगा। पीजिएगा, लेकिन किसी औरत के हाथ से नहीं। क्या बात करती है बेगम, आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हैं। लो हैदर भाई भी आ गए। आइए हैदर भाई। आइए हैदर भाई। आइए, आप लोग उठ क्यों गए? हम आप बैठो यार, ये यारों की बेतकल्लुफी की महफिल है। इस वक्त मैं न मैसूर का सिपा सालार हूँ और न सिरा का नवाब। मैं तो आप लोगों के लिए आज भी वही हूँ जो कल था। बहुत अच्छे भाई। ये महफिल तो इसलिए सजाई गई है ताकि बहुत दिनों के बाद कुछ बचपन की यादें दोहराई जा सके। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। हर वक्त एक नया हंगामा, हर रोज एक नया टकराव, हर दिन एक नया धोखा। देखते ही देखते जमाना बदल गया, हम बच्चे से जवान हो गए और हमारा हैदर सूबेदार, सिपा सालार और नवाब बन गया। और अपना खांडे राव प्रधानमंत्री बन गया। अरे सैया भय कोतवाल, हमें डर का है क्या? ये तो वो मिसाल हुई कि अल्लाह मेहरबान तो खांडे राव पहलवान।
क्या बात है, आज दो धारी तलवार चलाने वाले की जबान में धार नहीं है क्या? मेरी जबान की धार का मजा चखोगे पंडित तो जिंदगी भर बिलबिलाते फिरोगे। जानते नहीं मुझे? आपको कौन नहीं जानता है प्रधानमंत्री जी। जलते क्यों हो गाजी, हम इस ओहदे के लायक थे, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बनाए गए। वरना तुम में से कोई क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? अरे भाई, बिल्ली के भागो छीका टूटा है। ये तो वो बात हुई साहब कि अल्लाह मेहरबान तो खंडेराव पहलवान। अरे यार, इस जमाने में तो कौवे मोती चुनते हैं, कौवे। क्या कहा? अरे छोड़ो खंडेराव, ये लोग सब नशे में हैं। अब हम बैठ जाओ यार। चुटकी बजाते ही सारा नशा हिरन हो जाएगा। कहो तो उधार दो इनका नशा। खंडेराव, अरे भाई, ये महफिल आपस में टकराने के लिए नहीं है। अगर टकराना ही है तो जाम से जाम टकराओ। बैठ जाओ। तुम्हारे साथ क्या जाम टकराए पंडित, तुम्हारा तो अभी तक दूध भी नहीं छूटा। हमारा दूध छूटे हुए मुद्दत हो गई, हमसे टकराओ। हम बराबर वाले से अपना जाम टकराएंगे। हम हैदर के पास बैठेंगे। हाँ भाई खांडेराव, आ जाओ, तुम हमारे साथ पियो। अरे भाई मोहम्मद अली, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। बड़ा बनना मुश्किल नहीं है गाजी खान, लेकिन बड़ा बना रहना मुश्किल है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पंडित। वक्त तो मेरे और हैदर के साथ है। बिल्कुल। लो हैदर और लाओ भाई खांडे, लाओ और पिलाओ। जी भर कर पियो। लो भाई मोहम्मद अली, तुम भी एग्जाम मार ले लो। क्या बात है खांडेराव, आज तुम्हारे होंठों की बजाय मूछें शराब पी रही हैं। अमा खुद तो पी नहीं रहे, हमारे हैदर भाई को पिलाते जा रहे हो। अरे मजा तो तब है ना अगर नशा बराबर का चढ़े। हाँ भाई खांडेराव, आज तुम भी जी भर कर पियो और हम भी जी भर कर पीते। तुम भी तो लो। और वैसे भी आज बच्चे भी घर पर नहीं है, बेगम भी घर पर नहीं है, तन्हाई में वक्त कैसे कटेगा? पियो खांडेराव। हम तो साथ है ना हैदर, क्यों फिक्र करते हो? लो ना दोस्त। शौक जिनको है मैं परस्ती का, वो हकीकत में जहर पीते। क्यों अमृत में जहर घोल रहे हो पंडित? पंडित आज तुम भी एक जान पियो। संभल कर भाई, क्या कर रहे हो? वो जाम ही क्या जो तुम्हें दूसरों के कदमों पे गिरा दे। रात बहुत हो चुकी है। हाँ पंडित, इन्हें ले जाओ, जरा संभाल के ले जाना। चलो भाई, चलो। चलिए तुम पियो हैदर। हाँ खांडेराव। हाँ हाँ, पियो मोहम्मद अली। संभल के भाई, संभल के। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपसे पियो। खुदा हाफिज। और पियो मेरे दोस्त हैदर। मेरी तरक्की से खुश हो ना तुम? बहुत खुश खांडेराव, बहुत खुश, तुमसे भी ज्यादा खुश। तो फिर और पियो, और पियो हैदर। जी भर के पियो। पीते जाओ हैदर, पीते जाओ। भाई खांडेराव, और पियो। इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और सुला दो। ले जाओ।
गया मेरे सरकार को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे सरकार को? कुछ बताते क्यों नहीं? मल्हार राव, सरकार को बेखुदी कुछ ज्यादा हो गई है, इनका ख्याल रखना। की रात हैदर की आखिरी रात होनी चाहिए, वो सुबह ना देख सके। हैदर को चारों तरफ से घेर लो और अगर कोई बीच में आए तो उसे जान से मार डालो। जाओ निकलना, हमारे लिए मौत का पैगाम है, इनका पीछा करो। सरकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो बचकर भाग निकले। नमक हराम, वो बचकर निकल कैसे गया? जाओ फौरन और उसकी बीवी, बच्चों और माँ को गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन सरकार, उनका घर तो पूरा खाली है। उसकी माँ और बच्चे गुलजार बाग में हैं, उन्हें गिरफ्तार करो। सुनो, अगर कहीं वो बच निकले तो तुम नहीं बचोगे, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जा। जो हो सरकार। हम सेनापति हैदर अली के बच्चों को गिरफ्तार करने आए हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो। ये प्रधानमंत्री खांडे राव जी का हुक्म है।
बच्चे मेरी हिफाजत में हैं, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं कर सकता। अगर तुमने सीधी तरह से बच्चों को हमारे हवाले नहीं किया तो हमें ताकत से काम लेना पड़ेगा। यह हमारी जिंदगी में नामुमकिन है। इस तरह घर में दाखिल होने का मतलब? आपके अब्बा जान बागी हैं। खामोश, हमारे अब्बा जान बागी नहीं, बागी तुम हो। आप हमें हद से आगे बढ़ने पर मजबूर ना कीजिए, तलवार फेंक दीजिए। तुम जो कर सकते हो करो, हम तलवार नहीं फेंकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए कहा है, मारने के लिए नहीं। देखिए, हम आपको मारना नहीं चाहते, सिर्फ आप दोनों भाइयों और दादी जान को गिरफ्तार करके ले जाने आए हैं। ये आपके अब्बा हजूर की जिंदगी के लिए अच्छा है। अगर हमारे अब्बू जान की जिंदगी के लिए ये जरूरी है तो सिर्फ हम दोनों भाई चलने के लिए तैयार हैं, दादी जान नहीं। ठीक है, आप दोनों भाई हमारे साथ चलिए। तुम हमारा यही इंतजार करो, हम दादी जान से मिलकर अभी आते हैं। धोखा देने की कोशिश ना कीजिएगा, सारा बाग घिरा हुआ है। धोखा देना बुजदिलों का काम है। भाईजान जल्दी आइएगा। डरो नहीं करीम, हम अभी आते हैं। देखो सुसन, हम दादी जान की नमाज में खलल डालना नहीं चाहते। जब वो नमाज पढ़ ले तब उनसे कहना हम और करीम गाजी चाचा के साथ जा रहे हैं। अबू जान की हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी है। वो घबराए नहीं। आप वापस कब आएंगे? हमें नहीं मालूम। सुल्तान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कौन हो तुम? हैदर अली साहब और उनके परिवार का सेवक। इनके साथ क्यों जाना चाहते हो? मैं इनके साथ रहूंगा और कैद में इनकी देखभाल करूंगा। हैदर अली के बड़े वफादार और नमक हलाल नौकर लगते हो। जो खानदानी नहीं होते वही नमक हराम होते हैं हुजूर। हुकूमत, बैठ जाओ घोड़े पर। आइए सुल्तान। की माँ है, आपकी घबराहट आपके बच्चों का सर झुका देगी।
आप इतना नकेली जान, हैदर भाई बिल्कुल खैरियत से बंगलुरु पहुंच गए हैं। उनका उनका प्याम आया है मेरे पास। अम्मी जान, परेशानियां तो बहादुरों की सौगात है, सूरमाओं का इनाम है। लेकिन मैं अपनी ममता का क्या करूं? मेरे बच्चे मुझे दिला दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अम्मी अम्मी, बच्चे सिर्फ हैदर के नहीं, मेरे भी है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन हाथों में खेले हैं, और मेरी जिंदगी में उन पर कोई आंच आ जाए नामुमकिन है। जब तक मेरी जान में जान है, समझ लीजिए बच्चे हिफाजत से है। सब्र रखिए अम्मीजान, हौसला रखिए, इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं भी कितना मुश्किल बात हूं, अपनी जान बचाने की खातिर अपने बच्चों की जान खतरे में डालकर भाग खड़ा हुआ। नहीं हैदर, यह बुजदिली नहीं है, वक्त का तकाजा था। बच्चों तक पहुंचने के लिए आपके पास वक्त कहां था? आप बच गए, बच्चों को भी कैसे ना कैसे बचा लेंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो हैदर, वही है एक बचाने वाला जो मारने वालों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हमारी समझ में नहीं आता मोहम्मद अली, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी, फिर हमारी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? खांडे राव, और कौन? क्यों बेचारे खांडे राव पर तोहमत लगाते हो मोहम्मद अली? वो हमारे बचपन का दोस्त है, वो हमें कत्ल करने की कोशिश क्यों करेगा? इसलिए कि आपने नंजराज के दीवान बने रहने की सिफारिश की थी और रानी साहिबा ने खांडे राव को दीवान बनाने की। रानी साहिबा इस साजिश में शरीक हैं, बल्कि पूरे फसाद की जड़ वही हैं। इन दोनों को आप पर भरोसा नहीं है, वो आपको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। तो मैं उन्हें बहुत बड़ा खतरा बनकर बताऊंगा। हैदर अली साहब, हैदर अली साहब, बहुत बुरी खबर है हैदर अली साहब, हैदर खान टीपू और करीम को गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार करके ले गया? जी। क्या बात कर रहे हो, कहां? इस बात का किसी को पता नहीं। कसम है उस रब पे जलाल की, मैं अपने जलाले हैदरी का जलवा अपने दुश्मनों को दिखाऊंगा, और अगर अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं उस महारानी साहिबा की सियासत की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और खांडे राव, उसको तो मैं बड़ी सख्त इतरनाक सजा दूंगा। हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं बेगम साहिबा, हैदर अली साहब खैरियत से हैं और वो अपने दुश्मनों से बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खुदा उन्हें हमेशा की तरह कामयाब करे। टीपू और करीम खैरियत से तो है ना? टीपू और करीम? क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? जी, वो बात ये है कि... क्या बात है? वो अब हमारे दुश्मनों की हिरासत में है। और बेगम साहिबा, हैदर अली साहब ने यह पैगाम भेजा है कि आप श्रृंगापट्टनम छोड़ के ना जाएं। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर, या टीपू मसन औलिया, ये बच्चे आपकी इनायत है, मेरी अमानत आपके साये में है, हमेशा हिफ्ज़ो अमान में रहे। शाकिर साहब, शहर में हवा बड़ी गर्म फैली है कि हैदर अली के दोनों बच्चे इस कैदखाने में कैद हैं, क्या ये सच है? नहीं साहब, यहाँ पर तो नहीं आए, फिर भी आप कहते हैं तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। उफ,
चल मेरे यार, मैं जानता हूं तू भी बहुत थक गया होगा। हमारे प्यारे बच्चे कितने नाजों से पले थे, किन मुसीबत में होंगे, और हमारा करीम अगर किसी ने उनका भाई भी बाका किया तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। चल। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मकबूल खान। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? मैं श्रीरंगापट्टनम से आ रहा हूँ और हैदर साहब के पास बेंगलोर जा रहा हूँ। वो खैरियत से हैं, आप उनकी फिक्र ना करें। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान और करीम की कुछ खबर? नहीं, उनकी कोई खबर नहीं। न जाने उन पर क्या गुजर रही है, लेकिन सुल्तान मेरा शागिर्द है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार कैद खाने गया है ना, वो कैद खाने की सारी सख्तियां बर्दाश्त करेगा। हमें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि हम नवाब हैदर अली के बेटे हैं। तो क्या ये हमारा गुनाह है? हाँ करीम, दुश्मनों की नज़र में ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्या इसके लिए हमें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी? मुझे नहीं लगता हमें कोई सजा दी जाएगी। मेरा ख्याल है हमें इसलिए कैद कर रखा है कि अबू जान हमें यहाँ ढूंढते हुए आए और दुश्मन उन्हें गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करके अबू जान का क्या करेंगे? ये कहने का साहस तो मैं नहीं कर सकता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ उन्हें गिरफ्तार करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। यार टीपू मस्तान औलिया, हमारे अबू जान पर कोई आंच ना आए, चाहे हमारी जान चली जाए। क्यों भाई, क्या खबर है शहर की? कुछ मालूम हुआ हैदर अली साहब के बारे में? नहीं साहब, बस उल्टी सीधी अफवाहें उड़ती रहती हैं। असल बात किसी को मालूम ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि सारे मैसूर में महारानी और खांडेराव के खिलाफ एक नफरत की लहर फैली हुई है। हिंदू हो या मुसलमान, सबकी हमदर्दी और दुआएं हैदर अली साहब के साथ। खुदा उन्हें और उनके अहलो अयाल को सही सलामत रखे। बड़ा बुरा वक्त आन पड़ा है उन पर। वो कहीं बेगम साहिबा कहीं, बच्चे कहीं, जाने बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। गणपत, काजी चचा हमें ढूंढने के लिए जरूर निकले होंगे, लेकिन उन्हें कैसे मालूम होगा कि हम यहाँ हैं? तुम पूजा वाले मंजीरे बजाओ, मैं अजान देता हूँ और वो यहाँ से गुजरते हुए। मंजीरे और अजान? मैं कुछ समझा नहीं सुल्तान। मैं बताता हूँ, मैं और गाजी चाचा के बेटे रसूल खान कभी कभी ऐसा करते थे। वो मंजीरे बजाते थे और मैं अजान देता था, गाजी चाचा बहुत खुश होते थे। समझा, लेकिन मंजीरे आएंगे कहां से? तुम पहरेदार से कहो कि तुम्हें पूजा करनी है और वो मंजीरे का इंतजाम कर देगा। वाह वाह सुल्तान वाह, क्या सूझी है आपको भी। मैं अभी पूजा का इंतजाम कर देता हूँ।
क्या हो सुल्तान? मेरे मंजी ने बचा। मंजी ने? लेकिन क्यों? शायद काशी चचा बात लेट होकर है। मेरे बचा। अच्छा सुल्तान। अरे पूजा उजा कुछ नहीं कर रहा है, मौत के डर से जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। रोशनदान से निकल सकते हैं, मैं नहीं निकल सकता, मुझे यही रहने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या हुआ सुल्तान? एक ना एक दिन तो मुझे संसार से जाना ही है, कल ना सही आज ही सही, लेकिन आप तो मैसूर का भविष्य है और मैसूर के भविष्य को बचाना मेरा कर्तव्य है। गणपत तुम्हारे बिना? सुल्तान आप पर निछावर होना तो मेरा सौभाग्य है, आप जाए, देर ना करें, जल्दी जाए, समय बीत रहा है, कोई आ ना जाए। बस बेटा बस, पहुंच गए अभी। वक्त जाया मत करो, टीपू नीचे आओ जल्दी। भाई जान जल्दी नीचे आओ। संभल के जल्दी आओ। संभल के बेटे। शाबाश। कैसे हो चाचा? ठीक हूँ बेटे। जी सरदार। तुम चारों तरफ बड़ी नजर रखो। जो हुक्म सरदार। हम अभी इन बच्चों को उस कश्ती में छुपा कर। उस कश्ती में सरदार गाजी खान? लेकिन वो तो मुर्दे ढूंढने वाली कश्ती है। इसलिए तो कोई आदमी हमें ढूंढने के लिए उस कश्ती के करीब भी नहीं आएगा। दुरुस्त फरमाया सरकार। तुमसे जो कहा जाता है वही करो हिम्मत राव। बस चल।
गाजी चचा। बेटा, दुश्मन से छुपने की जगह तलाश कर रहे हैं। काजी चचा, हम कब अम्मी जान के पास पहुँचेंगे? अम्मी जान की बहुत याद आ रही है, भूख भी बहुत लगी है। क्या हमें बंद कर रखा था, माँ कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। अम्मी जान के पास ले चलिए ना। जरूर बेटा, जरूर ले जाएंगे हम तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारी अम्मी जान के पास ले जाएंगे। सबसे पहले हम तुम्हारे लिए खाने का और सवारी का इंतजाम करेंगे, उसके बाद तुम्हें अम्मी जान के पास ले जाएंगे। लेकिन तुम वादा करो, तुम कोई शोर नहीं मचाओगे, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे पड़े, अगर उन्हें पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझे? और हाँ, भाईजान को तंग नहीं करना। वादा करता हूँ गाजी चाचा, मैं बिल्कुल भाईजान को तंग नहीं करूँगा। जोर से भूख लगेगी तो भी कुछ नहीं बोलूँगा। शाबाश बेटा, शाबाश। टीपू, करीम का ख्याल रखना, समझे बेटा? मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह। सेना के हर आदमी को सूचना दी जाती है कि रियासत के बागी हैदर अली के साथी गाजी खान हैदर अली के दोनों बच्चों को सरकारी कैद खाने से निकाल ले गए हैं। ढूंढ कर लाने वाले या पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। आदमी को भागते हुए देखा? हाँ, वहां से बाहर गया। डरो नहीं गाजी चाचा, मैंने उनको झूठ बोलकर भगा दिया, वो चले गए।
बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। एक बात सुनो, तुम्हारे अब्बू जान घर पर है? अब्बा जान, अम्मी और भाई जान तीनों बाहर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। देखो बेटा, मेरे पीछे सिपाही खड़े हैं। मैं तुम्हारे अब्बू जान के नाम एक पैगाम देता हूँ, तुम भूल जाओ, किसी कागज पे लिख लो। तुम्हें लिखना आता है ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कागज और कलम लाती। जा बेटा, शाबाश। देखो जनाब, लाला मियां साहब सिपा सालार हैदर अली के बच्चे करीम और दीपू को पुराने दरिया महल के किनारे एक टूटी हुई कश्ती में छुपाकर, जब मैं उनके लिए खाने लेने जा रहा था, अचानक सिपाही मेरे पीछे पड़ गए। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और खतरे में भी हैं। उनकी हिफाजत कीजिए, उन्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचा दीजिए। मैं सिपाहियों की नजरों से बचकर किसी वक्त भी आकर बच्चों को यहां से ले जाऊंगा। लिख लिया बेटा? जी। बेटा अपने अबूजान को देना, भूलना नहीं। जी गाजी चाचा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज गाजी चाचा। रुकैया बेटी, रुकैया, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों हो, घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अब्बा जान, अम्मी जान, सिपाही लोग गाजी चाचा के पीछे पड़े हुए थे और आपके लिए पैगाम दे गए हैं। अच्छा, अरे ये तो तुमने लिखा है। हाँ, उन्हें लिखना नहीं आता इसलिए मुझसे कहा उन्होंने। इसमें क्या लिखा है? गाजी खान ने हैदर अली के बच्चों को पुराने दरिया महल के खंडर के पीछे टूटी कश्ती में छुपा के रखा है। उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करने को कहा गया है, मगर उन्हें बचाकर मैं फांसी के फंदे पर लटकना नहीं चाहता। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनके लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, किसी दूसरे के बच्चों के लिए जान गंवाना नहीं चाहता। लेकिन गाजी खान हमारे पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं। दोस्त है तो क्या हुआ, बहुत सर फिरे हैं, जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की उन्हें आदत है। भला इस काम में उलझने की उन्हें क्या जरूरत थी? वो हैदर अली के बचपन के दोस्त हैं, आप भी तो हैदर अली के रिसाले में काम कर चुके हैं। लेकिन तब वो यहाँ कानून तौर पर फौजी अहदेदार थे, इस वक्त तो बागी होकर सर छुपाए घूमते हैं। पर आप सोचिए, जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे रुकैया हमें खत देना भूल गई, इसमें क्या है, बच्ची है, आखिर भूल सकती है, भूल गई। क्या हम किसी और तरीके से, मेरा मतलब है किसी और के जरिए उन बच्चों तक खाना नहीं पहुँचा सकते, किसी और से कहकर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते? अरे किसी ने किया या मैंने किया, बात तो एक ही है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? जो हैदर अली के बच्चों की मदद करेगा तो खांडे राव उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी रुकैया, तुम इस खत को कहीं फाड़ कर फेंक दो, और गाजी चाचा जब आए तो उनसे कह देना मैं अब्बा जान को खत देना भूल गई, समझी? समझ गई अब्बा जान, पर उन दोनों भूखे बच्चों का क्या होगा? अरे मैं कहता हूँ, तुम्हें उन दोनों बच्चों से क्या लेना देना, भूल जाओ उन बच्चों को। उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तुम मत सोचो उनके बारे में, भूल जाओ उन्हें, समझी? अच्छी सुनिए तो, Thank you.
से बेटी, खा क्यों नहीं रही हो? अम्मी जान, उन बच्चों का क्या होगा, दोनों भूख से तड़प रहे होंगे। रुकैया, तुमसे अब अब्बाजान ने कितनी बार कहा उनका नाम मत लो, तुम समझती क्यों नहीं? खबरदार जो उनका नाम दोबारा जुबान पर लाई। खाओ ना बेटी, मत सोचो उनके बारे में, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। रुकैया, चुपचाप खाना खाओ। तेरी दुआ कबूल कर ली, हजरत टीपू मस्तान औलिया ने तेरी दुआ पर आमीन कह दी, तेरे एक से ज्यादा बेटे होंगे, मगर इन्हें पाकर तुझे क्या फायदा? तू तो इन्हें मैदान जंग की आग का ईंधन बनाने के लिए मांग रही है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अब दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी गोद आबाद कर दे, मुझे औलाद का गम न दे। क्या तू इस बात पर राजी है कि अपना पहला बेटा खुदा की राह में उसके बंदों की खिदमत के लिए दे दे? मैं राजी, मेरा खुदा राजी। आप जिस तरह से कहे, मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूं। तो जा, तेरा बड़ा बेटा खुदा की अमानत है, उसे सिर्फ दीन की राह पर चलाना, दुनिया की राह पर नहीं। या अल्लाह। बाबा, जिस तरह से मैं आपके नाक की शम्मा रोशन करती हूँ, उसी तरह से आप भी मेरी तमन्ना और उम्मीदों की दुनिया रोशन रखें।
चाचा ने बताया कि तुम लोग भूखे हो, उनके पीछे सिपाही पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। भाईजान बहुत भूख लगी है। आओ अंदर आओ, बैठो। मुझे भूख नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? अब तो तुम हमारे पास हो। वापस कैसे लौटूंगी उसका डर लग रहा है। सुबह चली जाना, रात को वापस घर न लौटे तो अबा हुजूर गुस्सा होंगे। रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो रात को इधर ही सो जाना, आपके नहीं जाना मत। कैसा लगा करीम? बहुत अच्छा। हाँ
अच्छा अब तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ रुकैया। माशाल्लाह कितने मासूम बच्चे हैं। रुकैया रुकैया बेटी रुकैया उठो बेटी चलो घर चले। अब्बा अब्बा जान माफ कर देना मुझको, मैं आपकी बिना इजाजत के चली गई, आप मुझसे नाराज होंगे ना? नहीं बेटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम पर नाज है। तुम्हारी इंसानियत बहादुरी ने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। चलो बेटी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? अब्बा जान ये भी चलेंगे ना हमारे साथ? हाँ बेटी, मैं तुम सबको ही तो लेने आया हूँ। सुबह होने वाली है, मैं एहतियात से तुम्हें घर तक ले जाने का रास्ता निकालता हूँ। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ। आओ बच्चों, आओ बेटे। आओ करीम। आओ आओ बच्चे, आओ ध्यान से। तक लाने का शुक्रिया चाचा जान। शुक्र अल्लाह का करो बेटे। अम्मी जान, ओ अम्मी जान, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दिलेर बच्ची, कहाँ चली गई थी रात के अंधेरे में? इतनी दूर, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अम्मी जान, तुम मेरी बच्ची तो नहीं आ रही थी, तो ठीक है, करने का क्या होगा? ये नाटक मैं भूख से मर जाती।
अल्लाह बहुत बड़ा है। देखो तुम्हारे लिए रुपये के हाथ खाना भिजवा लिया है और होली के रंगों में हमें छुपा कर यहाँ पहुँचा दिया। अरे क्या हुआ बेगम, तुम बहुत हंस रही हो। अपनी शक्ल देखिए, आई तो क्या हुआ भाई, मेरी शक्ल को अच्छी भली तो है। अच्छा तुम अपने मेहमानों की खातिर करो, मैं नहा कर आता के बारे में सोचो हैदर, कि रियासत मैसूर की तबाही को उसके हाथों से कैसे बचाया जा सके। तुम ठीक कहते हो, खांडे राव पर यकीन करके हमने बहुत बड़ी गलती की जो जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। हम अपनी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा करके इन बागियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा रियासत मैसूर के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत न कर सके। हुजूर, सेनापति हैदर अली साहब तशरीफ लाए हैं। हैदर अली, उन्हें यहां ले आओ। आओ हैदर आओ। आदाब अर्ज करता हूं नंजरा जी, बैठो। खैरियत तो है नंजराज जी? दोस्त ने गले मिलकर पीठ में खंजर भोंक दिया और ये दोस्त खांडे राव के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। आप सही फरमाते हैं नंजराज जी। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे किसी काम आता तुम हैदर, तो जरूर कहा। खांडे राव ने अपनी मदद के लिए ईसा जी पंडित को बुलाया और वो अपने टिड्डी दल लश्कर के साथ मैसूर की सरहद में दाखिल हो चुका है और मेरी फौजी अभी पांडिचेरी से वापस नहीं आई। इस वक्त मैं तन्हा हूं नंजरा जी, और उधर अंग्रेजों ने भी खांडे राव से हाथ मिला लिया है। यहां तक फिरंगियों का सवाल है तो उन्होंने तुम्हारा झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ देखकर ही तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिलाया। ये ताजिश कौम पैसे की दोस्त है, जब तक इन्हें कोई मोटी रकम नहीं मिल जाती तब तक ये मैदान जंग में नहीं उतरे, और खांडे राव के पास इन्हें देने के लिए खुशी कौड़ी नहीं। रह गया ईसा जी पंडित का सवाल, वो बहुत अच्छे इंसान, उन्हें किसी जज्बाती बुनियाद पर ही बुलवाया होगा। हकीकत जान लेने के बाद वो इस झगड़े में नहीं पड़े। मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। नहीं नंदराज, मेरी मानो तो इस झंझट में मत पड़ो, वरना दुनिया कहेगी कि जिस पद से नंदराज को हटना पड़ा वही पद खांडे राव को मिलने से नंदराज जल गया। दुनिया क्या कहेगी, इस डर से हक और ईमान का साथ छोड़ा नहीं जा सकता। चलो हैदर जी, मैं अभी तुम्हारे साथ चलू। आओ चलिए। मैं इसे समझाते समझाते थक गया, मगर मेरी इसने एक नहीं मानी। हे भगवान, इसे समझ दे
बुद्धि दे। आइए निगरानी, नमस्कार, नमस्कार, सलाम, सलाम, बैठिए। ये मैसूर के सेनापति हैदर अली साहब हैं। हमने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत ही सुना है और आज अंदाजा भी लगा लिया है। संजरा जी भी आपको बहुत तारीफ करते हैं। किस प्रकार हमारे लश्कर में हैं वो इसलिए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, मगर आप हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं हैं। इसीलिए तो हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ खाएं, और अगर आपके दोस्ती का हाथ खाद देते हैं तो हम इस पर अपमान करें। आप जानते हैं प्रधानमंत्री खांडे राव जी ने हमें अपनी सहायता के लिए जहां बुलाया है। प्रधानमंत्री खांडे राव जी सेनापति हैदर अली साहब के बचपन के दोस्त, उनके साथ लगे साथ लगे साथ बने, लेकिन उनके पास दिल है दिमाग। कल जो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे वही लोग सेनापति जी के खिलाफ आज जाल बिछा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी बिना कुछ समझे हुए जाल की टोलियां घूम रहे हैं। आप उससे क्या चाहते हैं? आप ये खुद जानते हैं कि एक नाबालिग की दोस्ती बड़ा है, अकलमंद की दुश्मनी बेहतर है। अगर हमारा हर्जा खर्चा आधा कर दिया जाए तो हम अपने फैसले पर गौर कर सकते हैं। मैं आपके हर्ज और खर्च के बदले में 12 महीने का इलाका आपके नाम पर ठीक है, तो फिर देर के बाद हम ये वादा करते हैं कि हम अपनी फौजी के हाथ से और हटा लेंगे। नमस्कार, सलाम सलाम। मेरा शीर बहुत मैला हो गया है, मैं इसे साफ कर लेती हूँ। माँ, मेरे कपड़ों में तो तुम लड़की लगती है, मेरी छोटी बहन। बहन नहीं हूँ मैं, भाई हूँ। ये कपड़े तुम्हारी अम्मी जान ने दिए हैं। भाई जान को तो लड़के के कपड़े दिए हैं, वो तैयार हो रहे हैं। देखो ये तैयार होकर आ गए। ये अभी ठीक तरह से तैयार नहीं हुए हैं। ये लो पहन लो, मैंने अपने हाथों से शेर का मुंह धोया है। शेर कभी अपना मुंह नहीं धोता। मेरा शेर तो रोज मुंह धोता है और रोज अच्छा अच्छा खाना भी खाता है। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ।
बारे में सोच रहा हूँ। न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, जहाँ भी होंगे खुद ही होंगे। मैं उनके लिए दुआ करूँगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कैसे मालूम मेरा दिल चाहता है? तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। कौन हो सकता है इतनी रात को? गाजी खान, बच्चे तो हिफाजत से रहना, बच्चे से इसे अल्लाह के नाम लाख लाख शुक्र है। क्या बताऊं दादा जी, बड़ी परेशानी है। सिपाही भूखे कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े, बड़ी मुश्किल से इतना पड़ता यहाँ तक आप पहुंचा। आप लोगों को बड़ी परेशानी होंगी बच्चों को यहाँ तक लाने, दिल का अल्लाह मुहाफिज़। भले उन्हें क्या मुश्किलें पेश आ, होली की बरसात के रंगों में चुप चुप आते बच्चों को यहां तक लिया। बहुत बहुत बुरा लगे, अब तुम्हारे लिए हो गया। खांडेराव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो बड़ी तेजी से मैसूर की तरफ बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, बच्चों को मैं उनकी मां तक पहुंचने वाला हूं। कहां है बच्चे? बच्चे मिस हो गए। तुम पहाड़ी की तरफ चलो। हाँ, मैं बच्चों को लेकर अभी पहुंचता हूं। के कपना से नायब होकर इस साल तक लाला मियां के जरान खाने की तलाशी लेने की जरूरत करोगे? मैं इस जुर्म में तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। पालकी क्यों रुक गई अब्बा जान? अम्मी जान नाराज हो रही है, नाना जान के घर पहुंचने में देर हो रही है। रिसालदार साहब, मैं बेअदबी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अब आप लोग जा सकते जा सकते। पालकी आगे बढ़ाओ। खुदा हाफिज़।
मेरे पास तुम बच्चों का देखभाल की तू है, एक मजबूर बेकस माँ की फरियाद सुन ले, एक माँ की ममता तुझसे इल्तिजा कर रही है, मुझे मेरे मासूम बच्चों से मिला दे, या अल्लाह मुझे मेरे मासूम बच्चों से मिला दे। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए गाजी खान, माँ की ममता में माँ को बिल्कुल भी भूल गए। नहीं बेगम साहिबा, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम जानते हैं कि माँ के लिए उसके बच्चों की जुदाई कितनी तकलीफ दे होती है। अब हम माँ और बच्चों के प्यार के बीच में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो बेगम साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खांडे राव और अपने तमाम दुश्मनों को नीस्त नाबूद करके हैदर साहब ने श्रीरंगपट्टनम पर फिर से फतेह हासिल कर ली है, और आपको मैं बच्चों के फौरन श्रीरंगपट्टनम बुलाया है। शुक्रिया अल्लाह का। बच्चों जी, अपने कनी से जाकर कहो आपको चली गई जी। अच्छा, अब फौरन आपके अपने से मिलने जाओ। जाओ जाओ जाओ। अब जब भी हमारे पास आए तो खुशियों का पैगाम लेकर आए, हम आपका शुक्रिया अपनी दुआओं से अदा करें। खुदा आपको सलामत करे और अपनी रहमत से। कैसे हो बेटे करीम? आदा बाबू जान। जीते रहो टीपू बेटे, जीते रहो। बेगम, बताओ घर वापसी मुबारक है। आपको भी मुबारक है बेगम, आपकी कमी हमें हर पल महसूस होती है, आपके तसव्वुर को कभी हमने अपने से जुदा नहीं होने दिया। आपकी जुदाई में एक एक पल किस तरह से गुजारा हमने, हम आपसे बयान नहीं कर सकते। हम समझते हैं बेगम, हम समझते हैं, लेकिन ये जिंदगी पर एक बड़े इम्तिहान होती है। इंसान के सब उसकी मोहब्बत उसकी कुर्बानियों को अपने तराजू में तोड़ती है, फिर कहीं जाकर उसे अपनी जिंदगी का सिला मिलता है। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद आप हैं। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए?
दस्तार खासी खा के बारे में सोच रहे थे। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने हमारे साहबजादों को हम तक पहुंचाया। उससे बड़ी दोस्ती की मिसाल नहीं मैं समझ लेने की थी। लेकिन साहबजादों की जिंदगी बचाने में लला मियां का भी बड़ा बड़ा हाथ है। हमें उनके घर जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम चलेंगे ना? हाँ बेगम, जरूर ले चलेंगे। हुजूर सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी हाँ क्या बात है? बेगम साहिबा नवाब साहब तशरीफ लाए। नवाब साहब कौन नवाब साहब? नवाब हैदर अली साहब। नवाब हैदर अली साहब अस्सलाम वालेकुम। लाला मियां साहब आइए तशरीफ लाए। आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। आप ना तशरीफ लाएं, हमें इज्जत बख्शी, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इंसान किसी को इज्जत दिया नहीं करते, किया करते हैं। इज्जत देने वाला तो अल्लाह का है। अपने घर की शांति घर वालों से होती है, सामान से नहीं। आपने इस घर में कदम रखकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान तो आपने हम पर किया है लाला मियां। हम तो इस काबिल भी नहीं कि आपका पूरी तरह शुक्रिया अदा कर सकते। आपने हमारे बच्चों को कलेजे से लगाया, उन्हें तसल्ली दी, उनकी हिफाजत की। हम आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हमारी गर्दन आपके सामने उस एहसान के बोझ से हमेशा झुकी रहती लाला मियां। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस एक छोटी सी नेकी करके जन्नत का घर बनाने की कोशिश। आजकल इतना भी कौन करता है? हाँ लाला मियां, उसका साथ तो अजीज अकारिब भी नहीं देते जिस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो, वक्त बदल गया हो, हुकूमत जिसकी दुश्मन हो गई हो। जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो और किसी से नहीं डरता, सच्चाई का ही साथ देता है। बेगम सच कहती हैं, लेकिन जो खुदा को ठीक से नहीं पहचान पाता वो हौसला हार जाता है। हम भी उन्हीं कमर्त वालों में से हैं। अगर हमारी बहादुर और खुदा शनास बेटी ने अपनी हिम्मत से हमारी टूटी हुई हिम्मत को हौसला दिया और हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है बेटी, आप हमारे पास आइए। देखिए बेटी, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए, इन्हें कबूल फरमाकर हमारा दिल खुश करें। सुभानअल्लाह, भाई आप तो बहुत समझदार हैं, सही है, माशाल्लाह। लाला मियां, आपके बच्चों की तहजीब देखकर माँ बाप के सलीके का अंदाजा होता है। आपने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी, अल्लाह का करम है। आपके बेटे का क्या नाम है? बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन, फरखुरदार को फौजी तालीम के लिए गाजी खान के सपोर्ट कर दीजिए और आप मोहम्मद अली कुमेदान से मिल लीजिए। मैं आपको उनके रिसाले में 100 सवारों का अवसर मुकर्रर करता हूँ। जल्दी रोज के बच्चे जैसे इनकी मुलाकात कर सकते।
साहब को परवान चल रहा है। अच्छा लाला मियां, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। हम मैसूर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैसूर की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ महाराज की संतान का बनता है। हैदर, महाराज की कोई भी संतान जीवित नहीं है। लेकिन पंडित, महाराज के भाई बहन के बच्चे तो होंगे ही। नहीं, 10 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मैसूर की गद्दी पर बिठाया जा सके। पंडित, तुम उन बच्चों को खाने पर बुलाओ।
फिर इस बात का फैसला हम करेंगे कि कौन बच्चा मैसूर के तख्त पर बैठने के काबिल है। लक्ष्मण राव जो हम कहने जा रहे हैं उससे जरा गौर से सुनो। तुम्हें मैसूर के तख्त पर गद्दी नशीन किया जाएगा और तुम रियासत मैसूर के महाराजा कहलाओगे, लेकिन तुम हमारी सरपरस्ती में हुकूमत करोगे जब तक कि तुम बाले होकर खुद हुकूमत संभालने के काबिल नहीं हो जाते। और बेटे तुम्हें वो तमाम असबाब मुहैया किए जाएंगे जो तुम्हारी शान शाया है और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह हमारी है। तो सामंत महाराज चल बसे, उनके लक्षण ही उनकी मौत को स्वयं बुला रहे थे। ये तो एक दिन होना ही था। और नंजराज जी, रानी साहिबा को राजपाट और राजनीति के काम से बेदखल करके हैदर अली मैसूर राज्य का बेताज बादशाह बन बैठा। ये तो मैसूर राज्य का सौभाग्य है। महाराज की दिन रात यही आशा, रानी साहिबा के नित नए राजनैतिक षड्यंत्र, देवराज जी की मैसूर तख्त से पत्ता है। मैसूर की प्रजा 16 साल से कष्ट उठा रही है। देख लेना सामंत, ये धरती, ये खेत जो भूख उगलती है, एक दिन सोना बरसाएगी सोना, चारों ओर खुशहाली खुशहाली होगी। सामंत,